नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आर के बी और मैं हूँ इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नम्बियार जी के साथ और हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सियाराम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, शलोम, वणकम, और उसके अलावा चाइनीज में नी हाओ, जापानीज में कोनिचिवा। प्रदीप जी अबारुया को जांबो टू आवर व्यूअर्स इन ईस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, वेयरएवर दे स्पीक स्वाहिली। वेयरएवर दे स्पीक स्वाहिली, दैट्स राइट, वेयरएवर दे स्पीक स्वाहिली। All right, and we seem to be doing quite all right in the Paris Olympics. Of course, we are still stuck to only two bronze medals. Nation of 150 crore people and exactly two bronze medals. We are exactly on par with nations like Moldova and other such exotic nations who have a population of perhaps half a million. only probably half of Mumbai. Less than half of Mumbai. Yes. Sir, half of Andheri or half of Kurla. Exactly. मतलब 500,000 लोग तो यहीं रहते हैं, कुरला में ही रहते हैं, मेरा ही कहना है। तो आई होप जो स्पोर्टिंग कल्चर है हिंदुस्तान में बहुत बड़े और आगे जाकर के हम लोग मिनिमम से मिनिमम 10 गोल्ड मेडल लेकर आएँ, 20 गोल्ड मेडल लेकर आएँ, 50 गोल्ड मेडल लेकर आएँ। आखिरकार चाइना जो है, अगर वो 40 गोल्ड मेडल ला सकता है तो हम क्यों नहीं ला सकते। यही सारी बात है। वी आर कम्पीटिंग विद चाइना एवरीवेयर एल्स, वी शुड कम्पीट हियर टू, मुझको ऐसा लगता है। लेकिन फिलहाल वी हैव टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेस्ट इंडीड आज की तारीख में। इस वक्त हमारे साथ हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं और आज जैसा कि आप जानते हैं कि जो राजनीतिक माहौल है बहुत गर्म है। अजय पाठक साहब भारतीय जनता पार्टी के और हनुमंत पवार साहब कांग्रेस के, दोनों इस वक्त हमारे साथ हैं। पाठक जी नमस्कार। नमस्कार। हर हर महादेव। जय हर हर महादेव। हर हर महादेव। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हनुमंत पवार साहब जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। हनुमंत पवार साहब कैसे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो। आप कैसे हो दोनों? सर लग नहीं रहा ठीक। आप ठीक लग नहीं रहे, थोड़े से आप जरा डिप्रेस लग रहे हैं, क्या बात है। चलिए बिल्कुल ठीक हो। चलिए आप ठीक लग रहे हैं, आप जरा हंस रहे हैं तो ठीक लग रहे हैं। सर देश अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, टेंशन मत दीजिए। भारत भारत देश है, भारत के ऊपर भगवान का, ऊपर वाले का, हर हर महादेव, महादेव का हाथ है, कोई टेंशन नहीं है, सब ठीक होगा यहाँ पे, ऐसी कोई बात नहीं। तो अच्छा ये बताएं पहले हनुमंत पवार साहब, आप बताएं कि जहां तक के राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी और इंडिया अलायंस का प्रश्न है कि जिसको अपनी जात का नहीं मालूम वो जातीय जनगणना की बात कर रहा है, उसके ऊपर इन्होंने बहुत आपत्ति ली है। उसका सामने से जवाब आ रहा है कि भैया हर जगह तो जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप पत्रकारों से पूछते हो तुम ओबीसी हो क्या, तुम शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब के हो। सर ओवरऑल मैं भी याद आ रहा है कि आरएसएस जब कह रहा है नॉट ओनली फॉर बोरी, इट अप्लाइज टू ऑल द पार्टीज, दैट यू नो टॉल लीडर्स आर नॉट देयर एनीमोर। Yes. जिससे हम लोग देख के इंस्पायर हो जाए, जिससे हमको देख के यू नो कुछ सीखे, कुछ अपने जिंदगी में अमल करे। वी डोंट फाइंड एनीबडी ऑफ देयर। ये जो इवन अनुराग ठाकुर रिप्लाई वाज ऑफुल, आई मीन यू कैन नॉट टॉक लाइक दिस इन द पार्लियामेंट, यू कॉल द टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी और आप क्या बात करते हो जी। द सेम अप्लाइज टू राहुल गांधी एंड एंटायर पीपल की आप क्या बात कर रहे हो, आई मीन व्हाट आर वी टॉकिंग, टॉक सेंस, लेट पीपल गेट इंस्पायर्ड लुकिंग एट यू इन योर स्पीचेस इन द पार्लियामेंट। All right, I think we've got both of them back. जी, gentlemen, thank you very much. Both of you are with us. तो हनुमंत पवार जी, जब राहुल गांधी जी खुद, अब आपको आवाज आ रही है सर? जी जी। क्योंकि आप अपना कान पे हाथ लगा रहे थे तो मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, मतलब ज्यादातर कान पे कोई हाथ लगाता है अपने, यानी ऑडियो खराब है, मतलब ऑडियो खराब है। तो सर, तो जब राहुल गांधी जी खुद पत्रकारों से पूछते हैं कि भाई तुम क्या ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, तो किसी ने अगर कह भी दिया कि जिसको अपनी जात का नहीं पता वो जातीय जनगणना कर रहा, तो उसमें आपत्ति क्या है? सर जरा समझाएं प्लीज। हनुमंत पवार साहब, खुद की, मेरी खुद की जात क्या है जी, इसके ऊपर निर्भर बिल्कुल नहीं करता कि इस देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर मैं आपसे बजाज साहब पूछूं कि आपकी जात कौन सी है, जी जी भाई वही 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 आ रहा हूं मैं मुद्दा स्पष्ट करने के लिए मैंने एग्जांपल दिया। जी 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 बोलिए। आप अगर जातीय जनगणना पे अगर आप सवाल पूछते हो और मैं उल्टा सवाल आपसे पूछूंगा कि आपकी जात कौन सी है बताओ, तभी आप आगे जा सकते हो, तभी सवाल पूछ सकते हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। भारतीय जनता पक्ष में ऐसे कितने लोग हैं
जिन्होंने इंटर रिलीजियस इंटर कास्ट मैरिज किया है, तो उनके बच्चों की जात क्या हम जाके पूछे? अब पंकज अताई मुंडे हमारी एमएलए है, उनसे हम पूछे जाके कि आपकी जात कौन सी है? हम कदापि नहीं पूछेंगे, हम नहीं पूछेंगे किसी की जात। जाति जनगणना इसलिए चाहिए कि इस देश में 95% तबका आबादी का ऐसा है जिसको जाति गणना चाहिए। जात की गणना होगी तभी इस देश में जो आरक्षण के ऊपर झगड़े खड़े किए हैं, सत्ताधारी पार्टी ने खड़े किए हैं, उसके ऊपर हल ढूंढा जा सकता है। राहुल जी हो, कांग्रेस पार्टी हो या इंडिया अलायंस हो, हमने जब 2024 के चुनाव को हम सामने गए थे तभी हमने कहा था कि हम जाति जनगणना करेंगे। इनके साथ भारतीय जनता पक्ष के जो लोग अभी सरकार में बैठे हैं, जिनके बलबूते पे इनकी सरकार चल रही है, वो बिहार में जाति जनगणना कर चुके हुए लोग हैं। अगर इनको जाति जनगणना करने वाले लोग साथ में सरकार में चाहिए तो इनको चलता है। अनुराग ठाकुर जी से मेरा सवाल है कि क्या आप बिहार में जाति जनगणना करने वालों से जात पूछ के उनका सपोर्ट लिया आपने? क्या आप पंकज अताई को जात पूछने जा रहे हैं? ऐसे कितने लोग हैं बीजेपी में जिनकी जात पूछी जा सकती है लेकिन हम नहीं पूछेंगे? ये कांग्रेस का कल्चर नहीं है। राइट हनुमंत सर, वेलकम बैक टू यू। जाति जी, जाति जाति जनगणना अलग। लेट्स गेट मिस्टर पाठक इन। पाठक साहब, हनुमंत पवार साहब कहते हैं, और हनुमंत पवार साहब ग्रामीण इलाकों से बहुत अच्छी तरह जुड़े हैं, पूरे किसानों के बीच में हमेशा काम करते हैं, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ पाठक साहब कि किसी की व्यक्तिगत तौर पे किसी की जात पूछना और उस पर कटाक्ष करना और जातीय जनगणना, ये दोनों चीज अलग अलग है, आपको क्या लगता है सर अनुराग ठाकुर साहब को ऐसा करना चाहिए था? पूछ रहा हूँ सर आपसे पाठक साहब। राजीव जी, आपकी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे ये सवाल पूछने की? आपकी जाति क्या है? आप कौन हो? कैसे सवाल मुझसे पूछ सकते हो? बताइए आप कौन है, कैसे मुझसे सवाल पूछ सकते हैं? ये बात राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। कहां पे कही? प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और यूपी के अंदर एक जिला है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ की रैली में खड़ा होकर के उन्होंने बोला कि ये प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं है, वो झूठ बोलते हैं, ये ओबीसी जाति से नहीं आते हैं, ये झूठ बोलने का काम करते हैं, ये ओबीसी जाति से नहीं आते हैं, ये राहुल गांधी ने कहा। और उसी पार्लियामेंट में खड़े होकर के बोले कि एक एक पोस्टर दिखा करके कि ये 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 इनकी क्या जातियां हैं, इनकी जाति बताओ, ये 17 लोग जो हलवा बांट रहे थे, हलवा खा रहे थे, इनकी जाति बताओ, ये कौन लोग हैं, ये किस जाति से आते हैं, इनकी जाति क्या है? तब तो बहुत अच्छा लग रहा था। और जैसे ही उनकी खुद की जाति या उनका बिना नाम लिए, इनको ये कैसे पता चला कि राहुल गांधी को ये कैसे पता चला कि ये जो पूछ रहे हैं वो मेरे लिए ही पूछ रहे हैं? वहां तो लगभग उस दिन 400 सांसद बैठे हुए थे, 543 में से 400 सांसद बैठे थे, तो राहुल गांधी ये कैसे जान गए कि नहीं, मेरी ही जाति के लिए इन्होंने प्रश्न किया और मेरी ही जाति पूछ रहे हैं? इसका मतलब है कि तिलमिलाहट सही जगह थी और सही जगह हुआ। आप करिए तो रासलीला और कोई दूसरा पूछ दे तो वो प्रॉब्लमेटिक है, वो गलत चीज पूछ रहा है। आप पूछते रहिए, पत्रकारों को धमकाते रहे। सिर्फ साहब लखनऊ में पत्रकारों को धमकाया ही नहीं गया, एक पत्रकार को इसके नाम पे उनके कार्यकर्ताओं ने पीटा, मारा बुरी तरह से, वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया कि तुम किस जाति के हो, तुम कैसे प्रश्न पूछ सकते हो, तुम इस जाति के होकर के कैसे प्रश्न पूछ सकते हो? इस जाति के नाम पे इसी राहुल गांधी ने उसको पिटवाया, उसके कार्यकर्ताओं ने मारा और कैमरे के सामने मारा इसी जाति सूचक शब्द से। और इनके पिता ने क्या कहा था जरा सा याद करिए, इनके पिता ने, एक वरिष्ठ पत्रकार थे आलोक मेहता जी, जब उनका उन्होंने इंटरव्यू किया था तो इन्होंने क्या कहा था इसी ओबीसी जाति के लिए, किस तरह के ये बुद्धू लोगों को हम ओबीसी का आरक्षण देंगे, इस देश को बर्बाद करेंगे, ये तो कहा था राहुल गांधी ने। और 2011 में जो इन्होंने जाति जनगणना, राजीव गांधी वही तो मैं बोल रहा हूं, राजीव गांधी ने, आलोक मेहता ने इंटरव्यू लिया था, उस इंटरव्यू में पूरे ओबीसी समाज को इन्होंने बुद्धू कहा था, प्रधानमंत्री ने, इन बुद्धुओं को हम आरक्षण देंगे, ये उनका कोड है, आप पढ़ लीजिए, आज गूगल करके पढ़ लीजिए। और राजीव जी एक चीज बताइए, 2011 में इन्होंने जो जनगणना कराई, आज तक 2014 तक उसके बाद इनकी सरकार रही, उसको क्यों नहीं ये लागू किए, क्यों नहीं सार्वजनिक किए?
उसको और जहां तीन राज्यों में इनकी सरकार है, कर्नाटक में ये जाति जनगणना कराए जब सिद्धिरमैया पहली बार मुख्यमंत्री बने, ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए लेकिन आज तक उसको फ्लोर पे नहीं ले आए, आज तक उसको वो नहीं किए। जहां इनको लाभ दिखेगा वहां ये अपनी जाति बताने लगेंगे, जनेऊ के ऊपर ये कोट के ऊपर जनेऊ पहनने लगेंगे। अभी मैं एक दूसरे चैनल पे था, उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ब्राह्मण है। राहुल गांधी एक बार अपने मुंह से बता देंगे कि मैं ब्राह्मण हूं? एक प्रवक्ता बोल रहे थे कि मैं ब्राह्मण हूं, राहुल गांधी एक बार बता देंगे कि मैं किस गोत्र का हूं, कौन सा गोत्र है, कौन सा सांख्यायन है, कौन सा पूर्व है, कौन सा नाभ है, कौन सा गेट है, ये बता सकते हैं राहुल गांधी? ये सब राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ विवाद खड़ा करने के लिए वहां पे। राहुल गांधी जिस तरह से बजट को लेकर के हद हो गई, आप सोचिए जो बजट बनाने वाले लोग हैं, जो सचिव प्रमुख सचिव प्रमोट होकर के गए होंगे, वो 92 बैच के आईएएस रहे होंगे, आप आईएएस रहे होंगे, वो आईएएसों की वो जात पूछ रहे हैं, और किसने नहीं लिया होगा? अगर 92 बैच के आईएएस आईपीएस वहां पहुंचे हैं तो किसके कार्यकाल में वो चुन करके वो एग्जाम दे करके वहां तक पहुंचे होंगे, और कैसे क्यों नहीं बना? तो ये तो राहुल गांधी अपने पिता के ऊपर स्वयं प्रश्न उठा रहे हैं। राहुल गांधी की बुद्धि यही है कि दूसरों से चिट लेकर के बोलना है, उसके बाद भूल जाना, फिर चिट आएगी तो फिर खड़े होकर के बोलना है। राइट, सो लेट्स गेट हनुमंत पवार साहब, देश की पॉलिटिक्स जी, पाठक साहब, देश की पॉलिटिक्स अपने बुद्धि विवेक से चलती है, बाहर बैठे हुए किसी व्यक्ति के द्वारा चिट लिखे हुए से नहीं चलती है। सर वन सेकेंड, पाठक साहब एक छोटी सी बात आपके लिए है पाठक साहब, उसके बाद में हनुमंत पवार साहब के पास जाता हूँ। 2011 का जो सेंसस है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेटिस्टिक्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, 2000 उसकी पूरी प्रक्रिया खत्म हुई 2013-2014 तक। हैव लॉस्ट मिस्टर हनुमंत पवार, आई थिंक इज प्रॉब्ली गेटिंग अ कॉल। पाठक साहब, 2013-2014 तक उसकी पूरी प्रक्रिया खत्म हुई, उसके बाद जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है उन्होंने ये पाया, उनका ये कहना है कि इसमें कुछ गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, इसकी वजह से मोदी सरकार के आने के बाद वो फिगर्स रिलीज नहीं किए गए। सर हाँ, जब उस पर जवाब देता हूँ सर, उस पर जवाब देता हूँ जी, से, आज चलिए आप पहले बोल लीजिए, उसके बाद जी बोलिए। सर आज तक तीन प्रदेशों ने उसका जवाब ही नहीं लिया। ऑन रिकॉर्ड आप गूगल करके देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ, केरल, कर्नाटक और पंजाब, वो क्या नाम है कि वेस्ट बंगाल, उन्होंने उन त्रुटियों का कोई जवाब ही नहीं दिया। तीन गवर्नमेंट ने, केरल, कर्नाटक और तो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म जवाब ही नहीं दिया। सर मैं मानता हूँ इस पर गूगल करने की जरूरत नहीं, मुझे जबानी याद है। तो उसके ऊपर सवाल ये उठता है कि मोदी सरकार भी पिछले 11 साल में वो फिगर्स रिलीज कर सकती थी, आपने रिलीज नहीं किए, ये भी तो है ना सर। चलिए मैं आपके पास आता हूँ, एक सेकेंड, हनुमंत पवार जी कर सकते थे सर, सर वो, सर, सर, वो उसी दिन प्रॉब्लम में आ जाएगा अगर तीन जगह के, तीन स्टेट के लोगों ने नहीं दिया है, त्रुटियों का जवाब ही नहीं दे रहे हैं, बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने के बाद। सर त्रुटियां सिर्फ तीन स्टेट में नहीं, सिर्फ तीन स्टेट में नहीं है, 11 स्टेट में, वो उसके बारे में बात करेंगे। स्टेट ने तो जवाब ही नहीं दिया जी, तीन स्टेट को जवाब ही नहीं दिया, जस्टिफिकेशन दिया है तीन के चार स्टेट, तीन स्टेट जवाब ही नहीं दे रहा, करेक्ट। तो हनुमंत पवार साहब की गवर्नमेंट है, हनुमंत पवार साहब की गवर्नमेंट है जी, हनुमंत पवार साहब जो अभी अभी अजय पाठक जी ने कहा कि जब राहुल गांधी जी इस प्रकार बात कर सकते हैं, इस तरीके से बात कर सकते हैं, तो जात के ऊपर अगर कोई कटाक्ष करे, क्योंकि देखिए जातीय वर्णन, जात के ऊपर डिस्कशन, कास्ट डिस्कशन, ये पूरा का पूरा फोकस राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी लाए हैं इसके ऊपर, सीधी बात है। तो सामने से भी तो कुछ आक्रमण होगा सर, कोई चुप तो नहीं बैठेगा। अब आप बताएं हनुमंत पवार साहब प्लीज। पाठक साहब ने अभी अभी उनकी बात खत्म करते वक्त कहा कि चीट लेके राहुल गांधी बोलते जी, भाई मोदी साहब को एक भाषण टेलीप्रॉम्प्टर के सिवाय करके दिखाइए, ये मेरा चैलेंज है। जो खुद प्राइम मिनिस्टर टेलीप्रॉम्प्टर पे बात करते हैं, उनके प्रवक्ता अगर यहाँ आके राहुल गांधी की चीट की बात करते हैं तो ये तो बहुत नाइंसाफी है। रही दूसरी बात कि जब राहुल जी बोलते हैं कि इस देश को चलाने वाले जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस अफसर है, उनमें से कितने लोग ओबीसी के है, एससी के है, एसटी के है, इनकी हिस्सेदारी कितनी है, इनकी भागीदारी कितनी है, तो ये सवाल तो जायज सवाल है।
ये सवाल पूछा जाना चाहिए। ऐसे ही सवाल अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने भी संसद में पूछे थे, ऐसे ही जवाब सुषमा स्वराज जी ने संसद में पूछे थे। जो पिछली जाति है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो एससी एसटी है, उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जातिगत जनगणना चाहिए, वो हम करके रहेंगे। अब आपने कहा कि मोदी साहब ओबीसी के नहीं है, ऐसा राहुल जी ने बताया, तो वो उस सवाल का जवाब था जब मोदी साहब 2019 के पूरे चुनाव में, 2014 के पूरे चुनाव प्रचार में खुद को ओबीसी बोल के वोट मांगते थे। अगर आप आज आपको ओबीसी मैं खुद हूं ऐसा अगर बोलना है तो पिछले 10 साल में ओबीसी के लिए नरेंद्र मोदी साहब ने क्या किया, इसका भी हिसाब देने का वक्त अब 11 साल में तो आएगा ही आएगा। अब तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, मोदी साहब की बीजेपी की जिम्मेदारी बनती है कि महाराष्ट्र में जो लोकल बॉडीज है उसमें का ओबीसी का आरक्षण किसने निकाल के लिया। अमित शाह जी ने बार बार यह कहा कि कांग्रेस इज ऑलवेज अगेंस्ट बैकवर्ड कास्ट। उन्हें काका कालेलकर कमीशन का ओबीसी रिपोर्ट के बारे में बात किया जो नेहरू जी ने कुछ किया नहीं, इंदिरा गांधी जी मंडल कमीशन के बारे में उसको राहुल गांधी मेरा कहना है, मगर मोदी जी का कहना कि अगर किसी ने न्याय दिया है ओबीसी को ओबीसी कमीशन डाल के तो सिर्फ बीजेपी और मोदी साहब ने दिया। यू नो कैन यू उसको डिनाई कर सकते हो आप? बिल्कुल वही 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 आ रहा था भाई। अच्छा, इसलिए तो मैंने कहा कि 11 साल नरेंद्र मोदी साहब खुद को ओबीसी का मसीहा कहते हैं, लेकिन उन्होंने क्या क्या किया उसका जवाब मांगना गलत है कि सही है? और वो अगर लोकसभा में नहीं मांगना, संसद में नहीं मांगना, तो कहा मोदी साहब के भक्तों के बीच में जाके तो राहुल गांधी बोल नहीं सकते। देश की संसद में उनको इसलिए भेजा गया है कि वो सवाल पूछे सत्ता से। नरेंद्र मोदी साहब ने, महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी साहब ने ये सवाल का जवाब देना कि महाराष्ट्र के लोकल बॉडी का जो रिजर्वेशन है ओबीसी का वो क्यों निकाल दिया, किस बलबूते पे निकाल दिया, क्यों वो आरक्षण संसद में आप लाते नहीं हो। एक दूसरा मेरा सवाल है कि अगर इस देश को चलाने वाले अफसर में ओबीसी की भागीदारी कम है तो वो बढ़ाने के लिए कास्ट सेंसस किया जाए, जिसने जितना लाभ लिया है वो अगर इस देश की जो नीतियां है, आर्थिक नीतियां है, सोशल जस्टिस की नीतियां है, वो बनाने के लिए अगर हमारे हाथ में सही आंकड़े नहीं होंगे तो इस देश में जैसे कॉर्पोरेट में एक दो उद्योगपतियों के लिए ये काम करते हैं वैसे ही दो चार जातियों के लिए ये पूरी सरकार चला रहे हैं। तो हम आदिवासियों के हित की, एससी एसटी के हित की बात करेंगे ही करेंगे, वो बात करते वक्त आपको सवाल का जवाब नहीं आता, इसलिए आप सवाल पूछने वालों की जाति पूछते हो। मैं पूछता हूं बीजेपी के प्रवक्ता से कि धूमल ये अनुराग ठाकुर जी है ना, जिनका ट्वीट आज इस देश के प्रधानमंत्री ने रीट्वीट करके उनको शाबाशी दी, उनके भाषण का उन्होंने पूरे जोर शोर से समर्थन किया। मैं बीजेपी से मोदी साहब से पूछना चाहता हूं कि भाई अनुराग ठाकुर साहब के पिताजी का सरनेम तो ठाकुर नहीं है, तो इनका सरनेम ठाकुर कैसे आ गया? राइट, हनुमंत पवार साहब, जो बीजेपी का अमित शाह जी का आरोप है कि राइट फ्रॉम नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी जी, किसी ने ये इंप्लीमेंट ओबीसी के बारे में सोचा ही नहीं है, काका कालेकर के रिपोर्ट के बारे में सोचा नहीं है, मंडल कमीशन के रिपोर्ट के बारे में सोचा नहीं, तो इस पर कोई जवाब देंगे आप? बिकॉज अगर इनका अमित शाह जी का कहना, अगर न्याय ओबीसी को दिया है मोदी साहब ने दिया है, बट एटलीस्ट अपॉइंटिंग ओबीसी कमीशन, ये तक किसी ने पहले नहीं किया था। देखिए ये जो सवाल उठा रहे हैं, ये जो सवाल उठा रहे हैं, ये सवालों का जवाब तो उन्होंने अमित शाह जी ने सब दे दिया कि नेहरू जी ने सबसे पहले ओबीसी को जिन शब्दों से नवाजा था वो तो हम बोल भी नहीं सकते टीवी पे, जिन शब्दों को उससे उन्होंने नवाजा था नेहरू साहब ने, और काका केलेकर की रिपोर्ट के पे जो टिप्पणी की थी वो तो हम टीवी पे बोल भी नहीं सकते उस समाज के लिए, ओबीसी समाज के लिए, जो इस देश का सबसे बड़ा समाज है ओबीसी, उसके लिए हम वो शब्द भी नहीं बोल सकते। राजीव गांधी ने जो कहा वो अभी आपको मैंने बताया,
बाकी के इनके जो 2004 से 2014 तक सरकार चली उन्होंने क्यों नहीं दिया है ओबीसी को न्याय? अभी जो तीन प्रदेशों में इनकी इनकी सरकारें चल रही वहां क्यों नहीं न्याय दे देते? अगर ये इतने बड़े राहुल गांधी जी इतने बड़े ओबीसी के चहेते हैं तो वहां क्यों नहीं दे देते? सिद्धरमैया जी तीन बार से दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बन गए लेकिन ओबीसी की रिपोर्ट को आज तक सार्वजनिक नहीं किए, विधानसभा में टेबल नहीं किए। और जहां तक ओबीसी के आरक्षण या ओबीसी के न्याय की बात है, 70 सालों के बाद अगर ओबीसी आयोग बना तो किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया, कांग्रेस तो उसको रोक के रखी थी। ओबीसी आयोग बनने के बाद इस देश में 3.5 करोड़ युवा ओबीसी युवाओं को फायदा उसका मिला है ओबीसी आयोग बनने के बाद, ये ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ चुनावी सगुफे के लिए ये सारी चीजें करते हैं, इनके पास किसी चीज का कोई जवाब नहीं है। हाँ, इन्होंने बोला कि उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं योगी जी, मोदी जी और अदर लोग। अरे भैया, जो सैम अंकल लिख करके दे दे और जो जार्ज अंकल वहां से टाइप कर दे, वही तो बोलना है और वही नैरेटिव खड़ा करना है। सैम अंकल सिर्फ आधा मिनट, जो सैम अंकल और सोरेसेस अंकल ने ये चैलेंज किया था राहुल गांधी के थ्रू कि प्रधानमंत्री तीसरी बार नहीं बन पाएंगे, वो सैम अंकल और सोरेस अंकल को हजारों करोड़ रुपया सोरेस अंकल ने बोला था कि मैं खर्च करूंगा और खर्च भी कर लिए, उसके बाद भी तीसरी बार ओबीसी प्रधानमंत्री ही बना इस देश में। कौन प्रधानमंत्री बना? ओबीसी प्रधानमंत्री ही बना और वही ओबीसी को न्याय दे रहा है। उधार का सरनेम लेकर के ये ओबीसी बनने चले हैं, ओबीसी के मुखिया बनने चले हैं। इनके बाद जिस ओबीसी को बुद्धू बोलते थे, जिस ओबीसी समाज को बुद्धू बोलते थे, ओबीसी के मुखिया बनने चले हैं। मोनोपोली कमाल की बात है। मोनोपोली ऑफ अडानी अंबानी, एक चक्रव्यूह जो बना है राहुल गांधी जी ने ड्रामेटिक तरीके से उसको हाईलाइट कर दिया, बोले एक चक्रव्यूह बना है, 6 लोग हैं, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी, अजीत डोवल जी, यू नो अडानी अंबानी, तो इस प्रकार से ड्रामेटिक तरीके से उन्होंने हाईलाइट किया। एक है कि मोनोपोली है, एक है कि आप हर मोनोपोली करके अडानी अंबानी को पूरे देश के प्रॉपर्टीज आप दे रहे हो, दूसरा पूरे एजेंसीज तैयार करके आप जो प्रश्न पूछते हो उसके पीछे लगा देते हो और पॉलिटिकल सिस्टम आज के पूरे इनको सपोर्ट कर रहे हो, तो एक ड्रामेटिक तरीके से हाईलाइट कर दिया। क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, पहली चीज है कि राहुल गांधी रोज प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। अगर ये सच्चाई होती तो राहुल गांधी गाली देते रोज? प्रवक्ता तो बोला कि प्रधानमंत्री की वोटी वोटी कर देंगे, उसको राहुल गांधी ने, जो वोटी करने वाला था उसको राहुल गांधी ने टिकट दे करके लोकसभा में ले आया कि चल भैया वहां बैठ कर प्रधानमंत्री को गाली दे, वो वोटी वोटी से संतोष नहीं। और ये बता रहे हैं कि ईडी और सीबीआई और फला एक महीना पहले, किस चीज का तुम्हें डर है सर? एक महीना पहले, अजय पाठक जी एक सेकंड जरा सुन लें, छोटी सी बात है। आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी और मोदी सरकार, इनके चीफ मनियन हुआ करते थे 2 साल पहले तक, फिर उसके बाद वो वापस चले गए, ही इज गॉन बैक टू हिज टीचिंग जॉब। अरविंद सुब्रमण्यन साहब ने इंडियन एक्सप्रेस में 1 महीना पहले लेख लिखा है, उन्होंने ये कहा है कि द डबल ए मोनोपोली इन द इंडियन इकोनॉमी is presenting huge distortions, ऐसा उन्होंने कहा है। ये डबले उन्होंने विस्तार से बताया है, वो अडानी और अंबानी हैं, क्योंकि सरकार अडानी और अंबानी को इतना फेवर कर रही है, इसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बाधा पड़ रही है। ये तो साहब अरविंद सुब्रमण्यन साहब ने बोला है, उनको स्पेशली लाया गया था मोदी जी द्वारा टू बिकम चीफ इकोनॉमिक। देखिए, आज हमारी जो इकोनॉमी है दुनिया की सबसे ग्रोथ करती हुई इकोनॉमी है, ये किसी एक व्यक्ति के कह देने से तो समाप्त नहीं हो जाएगी, या किसी एक व्यक्ति के कहने से। 25 देशों की जो ग्रोथ रेट है वो 1% से भी नीचे है। चाइना की ग्रोथ रेट क्या है आज? 3.4 है या 3.6 है, और हमारी ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है। तो किसी एक व्यक्ति के लिख देने से हमारी इकोनॉमी या हमारे सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये ठीक है
कि हमारी जो अडानी और अंबानी की कंपनियां हैं वो भी ग्रोथ कर रही हैं और सारी कंपनियां भी ग्रोथ कर रही हैं। ऐसा तो है नहीं कि मुनाफा सिर्फ एक कंपनी को हुआ है। आज आप उठा करके देख लीजिए, सेंसेक्स अगर सबसे हाईएस्ट पे है तो सिर्फ एक व्यक्ति के फायदे के लिए है क्या? अगर गांधी, अगर वो लोग इस देश को लूट रहे हैं, उस देश को बर्बाद कर रहे हैं, उस देश की इकोनॉमी को खराब कर रहे हैं, तो राहुल गांधी के परिवार के साथ। प्लीज प्लीज प्लीज, एक मैं आपके पास आ रहा हूं सर, हनुमंत कुमार साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। अजय पाठक जी, नीति आयोग ने ऑब्जेक्शन उठाई है कि आप किसी भी शख्स को दो एयरपोर्ट से ज्यादा नहीं दे सकते, किसी भी एंटिटी को पूरे देश में। अडानी जी को 6 एयरपोर्ट दे दिए गए हैं, उसके अलावा 4 सीपोर्ट उनके पास हैं, उसके अलावा प्राइवेट रेलवे रन करने की उनकी उनको परमिशन दे दी गई है फ्रेट की। लेट मी क्लैरिफाई, इट इज फॉर फ्रेट ओनली, नॉट फॉर पैसेंजर्स, और वो भी फ्रेट यानी कैप्टिव फ्रेट, के उनके जो पोर्ट्स हैं, उनके जो माइंस हैं, उनके जो एयरपोर्ट हैं, वो ट्रेन सिर्फ वहीं पर चलेंगी फ्रेट कॉरिडोर में। सर, नीति आयोग ने ऑब्जेक्शन उठाई है, आप मुझे ये बताइए, तो क्या नीति आयोग भी गलत बोल रहा है पाठक साहब? नहीं, मैं नीति आयोग को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन सरकार की पॉलिसी के सरकार की पॉलिसियों का ही तो इम्प्लीमेंट है। और मोदी जी की पॉलिसी के खिलाफ, सर मोदी जी की पॉलिसी के खिलाफ उनको, देखिए राजीव जी, मेरी पूरी बात होने दीजिए। इसके पहले पोर्ट प्राइवेट नहीं दिए गए थे क्या? इसके पहले प्राइवेट पोर्ट नहीं दिए गए थे क्या? और किनकी सरकारों ने दिया था? सर, किनकी सरकारों ने नियम ले आया था? किनकी सरकारों ने नियम ले आया था कि प्राइवेट पोर्ट दिए जाएंगे? एक दे देते, एक यहां पर 4 दे दिए और एयरपोर्ट 6। अरे सर, एक ही का एक कम एक आदमी ने 6 कंपनियां बना ली और 6 एयरपोर्ट उसको दे दिए, तो एक को दे दिए। एक आदमी ने 6 कंपनियां खड़ी कर ली वहां के, क्या बोलते हैं वो गलत नहीं है सर? आपको तो सारी जानकारी, देखिए आपको सारी जानकारी होगी, आंध्र की एक कंपनी थी, उसने 6 नाम से अलग 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 कंपनियां खड़ी की और गांधी परिवार ने सारा कुछ उसी को दे दिया, उसी को नागराजन की कंपनी को दे दिया। तो इसका मतलब वो ठीक कर रहे थे। किसने बोला ठीक कर रहे? अभी पाठक साहब, इंडियन कंपनी कोई ले ली, उसकी कैपेबिलिटी बढ़ रही है, वो करोड़ों लोगों को जॉब दे रही है। यहाँ पर एक छोटी सी बात, बाहर के लोग आकर के, लास्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की पॉलिसी क्या है कि बाहर के लोग, बाहर की कंपनियां आकर के यहाँ पे इस देश पे कब्जा कर लें, लेकिन अपनी नितिन गडकरी साहब बढ़ ना पाए। आपके भी बड़े अच्छे मित्र हैं नितिन गडकरी साहब, हमारे भी बड़े अच्छे मित्र हैं, उन्होंने कहा है। मेरे मित्र नहीं है, मेरे तो गुरु हैं सर, मेरे तो बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं तो उनको मित्र मानता हूँ, बहुत मेरे गुरु हैं, पिछले 30 साल से मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। हम लोगों के आदर्श हैं सर, सर हम लोगों के आदर्श सर। नागपुर में उनकी पहली पुस्तक का जो विमोचन हुआ था वो मेरे हाथों ही हुआ था, ये भी बता दूं जी। हाँ, मुझे पता है सर जी। और सामने मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ, मेरे सामने अडवाणी जी और प्रमोद महाजन जी बैठे थे ऑडियंस में, और मेरे हाथों कराया गया था, वो अलग बात है। लेकिन नितिन गडकरी साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है सर, आप जो बोल रहे हैं गलत नहीं बोल रहे, बाय द वे दिस इज फॉर आवर ऑडियंस, जो अजय पाठक जी ने अभी बात बताई है ना कि एक ही पेरेंट कंपनी की 6-6 अलग कंपनी, अरे 6 क्या, 16 कंपनी यार, छोड़ो 28 कंपनियां थी, 28 और 250 को दिया गया। मैं आपको कुछ और पूछने जा रहा हूं, नितिन गडकरी साहब ने यह कहा कि जो कांग्रेस ने गलतियां करी जिसकी वजह से कांग्रेस को हरा दिया लोगों ने, आज की तारीख में हम भी वही गलतियां कर रहे हैं तो हमारा भी हशर वही होगा, उन्होंने गोवा में कहा है, ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है सर, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं सर, देखिए नितिन जी ने जो कहा वो तो सर आंखों पे है, वो उसके लिए नहीं कहा, इंडस्ट्री के लिए नहीं कहा है उन्होंने कार्यकर्ताओं के लिए कहा है, दोनों चीजों में बहुत फर्क है, उसको एक साथ जोड़िए मत। उन्होंने कार्यकर्ताओं के लिए कहा कि अगर आप अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रखेंगे, जिस तरह से कांग्रेस इस देश में कार्यकर्ता विहीन हो गई, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी हो सकती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जोड़ के कहा है, उन्होंने इंडस्ट्री को जोड़ करके नहीं कहा है सर। हनुमंत साहब, आई वांट टू आस्क यू अदर थिंग, बात यह है कि मोदी जी पद डेवलपमेंट पद पे, उन्होंने कल ही 2 दिन पहले कहा कि 15 करोड़ नल से जल हमने कनेक्ट कर दिया,
और जो रिपोर्ट कार्ड मोदी जी के पीएम किसान आवास योजना आयुष्मान उज्ज्वला नल से जल शौचालय 13 करोड़ यू नो स्वच्छ भारत तो और मोदी 3.0 थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी 3 करोड़ घर और 3 करोड़ लखपति दीदी तो इतना जबरदस्त तरीके से अगर डेवलपमेंट प्लान है तो ऑब्जेक्शन क्या है राहुल गांधी जी ऑब्जेक्ट क्यों कर रहे हैं पवार साहब डांबियाल साहब मैं आपके सवालों का तो जवाब दूंगा ही लेकिन पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो पाठक साहब है उन्होंने जो कुछ कहा है उसके ऊपर मुझे बात रखनी ही रखनी है मैं पहला सवाल पाठक साहब से पूछना चाहता हूँ इसलिए सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैं अपोजिशन पार्टी का प्रवक्ता हूँ वो सत्ता में बैठे हुए हैं महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं और देश में भी उनकी पार्टी अब तीसरी बार सत्ता में बैठी है तो इसके लिए उनका मैं अभिनंदन करता हूँ उनको मैं बधाइयां देता हूँ कि तीसरी बार मोदी जी पंतप्रधान बन गए बीजेपी सत्ता में है तो आपका तहे दिल से आपका मैं अभिनंदन करता हूँ मेरा पहला सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी साहब ओबीसी समाज से है तो वो जातिगत जनगणना करवाएंगे या नहीं करवाएंगे ये पहला सवाल दूसरा सवाल है मेरा आपने कहा कि राहुल गांधी नकली गांधी है और उनके लोग अंबानी की शादी में क्यों चले गए मैं दूसरा सवाल आपको आपने जो सवाल खड़ा किया है उसके मद्देनजर मैं पूछना चाहता हूं कि तेलंगाना में जब 2024 के इलेक्शन में एक जनसभा में इस देश का प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब ऐसा कहते हैं स्टेज से कि टेम्पो भर भर के अदानी से अंबानी से पैसा कांग्रेस को मिलता है काला धन मिलता है डील हो गई है तो ऐसा कहने वाले मोदी साहब उसी उद्योगपति के बेटे की शादी में खाना परोसने क्यों गए थे खाना बांटने क्यों गए थे खाना खाने क्यों गए थे डीलिंग करने वाले काला पैसा टेम्पो भर भर के देने वाले चोर लोग ऐसा कहा था चोरों की शादी में पंतप्रधान साहब ने जाना आपको जायज लगता है क्या दूसरा सवाल मेरा और तीसरा मैंने बहुत सुना अब मेरा सुनो अपोजिशन का भी सुनने का इस तीसरे लोकसभा में आपको बहुत सवाल खड़ा किया तो उसका जवाब सर आपको सर बहुत टाइम है अपने पास आपने 10 सवाल पूछे उसके अगेंस्ट मैं सिर्फ 3 सवाल पूछ रहा हूँ उसमें से 2 हो गए मेरे पहला सुनो गांधी ने ओबीसी का अपमान क्यों किया सुनो ना मैंने कब से पूछ रहा हूँ मैं कब से पूछ रहा हूँ राजीव गांधी ने ओबीसी का अपमान क्यों किया अगर हिम्मत है पाठक जी हिम्मत है तो सुनो सवाल का जवाब जब कालेलकर आयोग गठन किया था तो नेहरू जी की सरकार थी कांग्रेस की सरकार थी काका साहेब कालेलकर का आयोग कांग्रेस ने गठित किया था पहली बात और दूसरी बात तो जब क्यों नहीं लागू किए सुनो पाठक साहब सुनने की तैयारी रखो सवाल पूछते हो तो जब जवाब सुनने की हिम्मत नहीं तो सवाल का ही पूछते हो बीजेपी वालों अरे सुनो ना जवाब अरे सुनो ना जवाब अरे जवाब ये बुद्धिहीन लोग हैं जवाब राजीव गांधी ने क्यों कहा कि ये बुद्धिहीन लोग हैं जवाब देने के लिए यहाँ बैठा है ना कांग्रेस का प्रवक्ता सुनने की हिम्मत रखो सवाल पूछते सुनो बौखला क्यों रहे हो चिल्ला क्यों रहे हो आपकी तबीयत के लिए अच्छा नहीं है कहीं दौरा पेवरा पड़ जाएगा तो मेरे ऊपर कोई तो आ जाएगा सुनो मैं आधे घंटे से आपका जो आवाज है वो सुन रहा हूँ सुनो आप ऐसा मत कहो काका साहेब कालेकर आयोग कांग्रेस ने गठित किया था नेहरू जी ने गठित किया था ये तो आपको पता है मुझे पता है बजाज साहब को भी भली भांति पता है जब काका साहब कालेकर रिपोर्ट आ गई तब इस देश की पहली सेंसस भी नहीं हुई थी पहली सेंसस हो जाने दो तब तक ये रिपोर्ट बाजू रखने दो ऐसा कहा था अरे अब तो सुनो तो झूठ है सुनो तो बोलो काका साहब जानते हैं मैं जानता हूँ अरे मैं आप में आप में हिम्मत है तो काका साहब कॉलेज का रिपोर्ट कब सबमिट की थी उसकी तारीख बताओ पहले सेंसस के पहले थी या बाद में थी पहले सेंसस के पहले थी लेकिन नेहरू ने कहा कि नेहरू ने कहा कि ये स्टूपिड रिपोर्ट है
नेहरू जी तो आपके सपने में आते हैं, मोदी साहब के सपने में आते हैं, आप नेहरू साहब जाके 65 साल हो गए तब भी आपको काम करने नहीं देते। सुनो 24 घंटे राहुल गांधी के सपने में नरेंद्र मोदी आते हैं। सुनो बौखला मत जाओ, 24/7 राहुल गांधी के मत बौखला जाओ, सुनने की हिम्मत नहीं आते हैं, सुनने की हिम्मत रखो, सुनने की हिम्मत रखो, सुनने की हिम्मत रखो, सच सुनने की हिम्मत रखो, सच सुनने की हिम्मत रखो। आप सच कहां बोलते हैं? सच बीजेपी तो झूठ ही झूठ बोलते हैं। अरे ओबीसी समाज का इतना बड़ा है तो जातिगत जनगणना को क्यों भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है भाई? इस सवाल का जवाब दे दो। चलो विरोध कर रही है फिर क्या? क्यों किसने विरोध किया? आपने किया, बीजेपी कांग्रेस कर रही है। बीजेपी विधानसभा कांग्रेस के पास है, कांग्रेस रिपोर्ट दबा करके क्यों रखी हुई है? जातिगत जनगणना रखे हुए जातिगत जनगणना होते रहेगी, सीधी रवैया सीधी रवैया जातिगत जनगणना होते रहेगी, क्यों नहीं करवाते? अगर ओबीसी हितैषी है, अगर ओबीसी के हितैषी है तो सीधी रवैया से रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं करवाते? राहुल गांधी के अंदर अगर ओबीसी जातिगत जनगणना होके रहेगी, आपके छाती पे बैठ के जातिगत जनगणना कांग्रेस करने जा रही है, करते रहेगी। सिद्धि रमैया के छाती पे बैठ के करो, सर आप दोनों को कोई सुन नहीं पा रहा है। पाठक साहब और हनुमंत पवार साहब, सर आपने एक सवाल पूछा है, पवार साहब आपने एक सवाल पूछा है, आपने एक सवाल पूछा है कि काका कालेलकर रिपोर्ट जो है वो कमीशन कब कॉन्स्टिट्यूट की गई? इट वॉज ऑन, अरे एक मिनट सर, अरे जेंटलमैन वन मिनट, नोबडी कैन हियर यू। क्यों सिद्धि रमैया ने ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को दिया? क्यों ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को 4% दिया? सिद्धि रमैया क्यों मुसलमानों का आरक्षण 4% सिद्धि रमैया ने? अजय पाठक साहब, एक सेकेंड, हनुमंत पवार साहब, व्हाट आर यू गाइस डूइंग? सर इट वॉज ऑन द 29th of January 1953। मिस्टर पाठक, वन सेकंड सर, जेंटलमैन आई विल रिक्वेस्ट यू अगेन, काइंडली अलाउ मी अ क्वेश्चन। जेंटलमैन प्लीज, अजय पाठक साहब एक सेकंड, प्लीज डोंट लोअर द वॉल्यूम। जेंटलमैन दिस इज नॉट राइट, आप वॉल्यूम लोअर मत कीजिए, मैं अपने इंजीनियरिंग स्टाफ को बोल रहा हूं, दोनों को बोलने दीजिए। दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ शो, वी हैव अ वेरी सिविलाइज्ड शो यूजुअली। काका कालेलकर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑन 29th of January 1953 एंड इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन, हियर आर द रिकमेंडेशंस, ऑन द 30th of March 1955। ठीक है, और सबसे बड़ा उसमें रिकमेंडेशन ये था कि कास्ट वाइज एन्यूमरेशन ऑफ द पॉपुलेशन इन द सेंसस ऑफ 1961 होना चाहिए। सर क्या कास्ट वाइज सेंसस हुआ 1961 में? पूछे इनसे, हुआ पवार साहब, कास्ट वाइज सेंसस क्यों नहीं हुआ 1961 में? जी ने करने दिया। मैं आपसे पूछता हूँ हनुमंत पवार साहब, बिल्कुल रिकमेंडेशन रिपोर्ट में जो मांगे रखी थी, उन्होंने जो सुझाव रखे थे, उसके ऊपर ही कॉन्स्टिट्यूशन का पहला अमेंडमेंट नेहरू साहब लाए थे। रिजर्वेशन के सिक्योरिटी के लिए, रिजर्वेशन बचा रहे इसके लिए ही अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो फर्स्ट था वो हुआ था
उस काका साहेब कालेरकर के रिपोर्ट में जो बातें कही थी एजुकेशन के लिए, एजुकेशन से लेके नौकरियों से लेके उस देश उस आबादी को लेके सब बातें की थी, कास्ट सेंसस की जो बात थी उसके लिए सही वक्त चाहिए था, इतनी ही मांग रखी थी। उसके ऊपर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की स्पीच है, नेहरू जी की स्पीच है, खुद काका साहेब कालेरकर जी की रिपोर्ट है। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी के कि आज 14 अगर आप तीसरी बार 14 से अगर 24 तक आप सत्ता में हो और वही मुझे जवाब देने दीजिए जी, वही मांग अगर कांग्रेस कर रही है तो बीजेपी का क्या कहना है? आप हनुमान कुमार जी पाठक साहब को सुनिए कि नेहरू, इन्होंने पाठक साहब आप बोलिए कि नेहरू ने मना कर दिया कि इन्होंने साफ शब्दों में नहीं कहा, साफ शब्दों में नहीं कहा कि नेहरू जी ने मना कर दिया कि ओबीसी को कोई आरक्षण देंगे ही नहीं, साफ शब्दों में नेहरू ने मना किया था कि ओबीसी को कोई आरक्षण हम नहीं देंगे। और दूसरी चीज बताइए, कर्नाटक के अंदर 4% ओबीसी का आरक्षण निकाल करके मुसलमानों को क्यों दिया गया? राहुल गांधी ने क्यों देने सिद्धिरमैया को बोला कि 4% ओबीसी का आरक्षण निकाल करके मुसलमानों को दे दो? ओबीसी का आरक्षण निकाल करके मुसलमानों को क्यों दिया, इसका जवाब चाहिए। बिल्कुल सुनो, आप सुनो जी, जब बोलिए, जब कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बची थी, उसके बाद बनी थी, तो उन्होंने भी वो क्यों नहीं रद्द किया? रद्द किया था, आपको जानकारी नहीं है, रद्द कर दिया था, रद्द कर दिया था। बजाज साहब ने बोलना, अब बजाज साहब ने बोलना क्या, रद्द कर दिया था अभी उन्होंने, सिर्फ उतना ही नहीं किया कांग्रेस ने, कांग्रेस ने ये भी किया कि अभी ठेके पट्टों में भी, ठेके पट्टों में भी जो ये कांग्रेस अभी अभी करके आई है कि जो विशेष समुदाय को ठेके पट्टों के अंदर कौन है, मुसलमान। और इतना ही नहीं, हमारी तो बजाज साहब, हमारी तो हमारी ये सरकार से मांग है, महाराष्ट्र की सरकार से मांग है कि जिस तरह का असल सत्र बुला करके इस महाराष्ट्र के अंदर भी होना चाहिए, लव जिहाद के सबसे ज्यादा मामले, यहाँ हमारी बहन को 36 टुकड़ों में काटा गया, यहाँ रोज लव जिहाद के मामले हो रहे हैं, इसे लेकर के सबको यहाँ भी लव जिहाद का कानून आना चाहिए, लव जिहाद का कानून आना चाहिए। सर हनुमान पवार साहब, एक सेकंड, एक सेकंड, सर 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 करेक्शन, जो 4% रिजर्वेशन दिया गया था कर्नाटक में माइनॉरिटीज के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं था, माइनॉरिटीज के लिए था, नंबर एक। नंबर दो, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत उसको आप कैंसिल करने जरूर गए थे, आपको मना कर दिया गया था कि अभी आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते, लेट स्टेटस करेक्ट। सर मैं क्या, बीजेपी गए थे और ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? तो अभी भी उन्होंने क्या किया? सर अभी भी, सर पूरी बात तो सुन लेना सर प्लीज, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था फॉर द मोमेंट यू नेवर प्रेस द मैटर इन द सुप्रीम कोर्ट सर, वही बोल रहा प्रेस नहीं किया आपने, वही बोल रहा सर, सर तीन बार गए सुप्रीम कोर्ट, आप देख लीजिए गूगल करके, तीन बार सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन उसके कर्नाटक में फिर से दोबारा सरकार आई तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ठेके पट्टों में भी आरक्षण देने के लिए एक नया प्राविधान बना दिया, तो उसमें भी कहने का मतलब ये हुआ हनुमान पवार साहब, आप तो आप जवाब दीजिए, माधक साहब आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई, माधक साहब आपकी बात आ गई, हनुमान पवार साहब आप फिर, मतलब कहने का ये हुआ कि जैसा भारतीय जनता पार्टी उसके पहले भारतीय जनसंघ शुरू से ये बोल रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वक्त से बोल रहे हैं कि आप लोग मुस्लिम अपीजमेंट करते हैं, क्योंकि एक टोटल वोट बैंक है, वो पूरा का पूरा वोट जो है वो सीधा एक ही तरफ पड़ता है। अब आप कर्नाटक में आपने देख लिया वेस्ट बंगाल का मॉडल, वेस्ट बंगाल में सारा का सारा वोट इकट्ठा पड़ता है एकदम टीएमसी को, उसी तरीके से आपको भी पड़ रहा है, आप वही मॉडल आप अडॉप्ट कर रहे हैं। झारखंड में भी आप पे यही आरोप है पवार साहब की, झारखंड में पूरे घुसपैठियों को आपने दलितों के हक दे दिए, बांग्लादेश ने सबको, जितने भी बांग्लादेश से घुसपैठी है सबको शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट, शेड्यूल कास्ट डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं लोग मिल करके, मेरे लिए सवाल है, आप झारखंड के पूरे डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, बोलने दीजिए पवार साहब, पवार साहब झारखंड में भी आप यही अपना रहे हो, शेड्यूल कास्ट का हक आप घुसपैठियों को दे रहे हो, बांग्लादेशी, बोलिए पवार साहब, आप बोलिए प्लीज। तीनों महानुभाव से मेरी विनती है कि इतना अत्याचार मेरे अकेले के ऊपर मत करो, मुझे भी थोड़ा बोलने दो, संसद में भी आप बोलिए, यहाँ भी नहीं बोलने दे रहे, प्लीज प्लीज।
पाठक सुन, मैं क्या बोलता हूँ सुन, हिम्मत रख सुनने की। इनकी भाषा देखो, आधा घंटे मैं विनती कर रहा हूँ, यही गुंडागर्दी ये सब करते हैं। क्या आप मुसलमानों की अच्छी टीवी में बोलने लायक हैं? अजय पाठक जी को बोलना, अजय पाठक जी को बोलने तो दीजिए, सुनना बोलने दो ना, फिर अजय पाठक जी इनको बोलने दीजिए ना। हाँ बोलिए, हनुमत कुमार साहब बोलिए। आप ऐसा मत समझो कि आप बोलते जाओ गाली गलौज करेंगे आप, और मैं बिल्कुल नहीं, आपका वक्त खत्म हुआ सुनने का चुपचाप। चलिए बोलिए, देश को, इस देश में सिर्फ बीजेपी वालों की बकबक सुनने के लिए चैनल नहीं है, सुनने की आदत डाल दो, सुनने की आदत डाल दो, सुनने की आदत डाल दो, सुनने की आदत पाठक, सुनने की आदत डाल दो, आगे बहुत कुछ होने वाला है। और साहब बोलिए बोलिए बोलिए, मुसलमानों को आरक्षण देने को लेकर मेरे सहयोगी ज्येष्ठ हमारे पाठक साहब ऐसे बोल रहे थे कि आप उनका अनुनय करते हो। आंध्र प्रदेश में 5% मुसलमानों को रिजर्वेशन देने वाली चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, बिहार में लोकसभा इलेक्शन में 2024 के अपने मैनिफेस्टो में 5-6% मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात करने वाले नीतीश कुमार बगल में लेके संसद में मोदी साहब बैठते हैं, और आप हमको कहते हो मुसलमानों को आरक्षण देने की बजाय। पूछो ना नीतीश कुमार बाबू से, पूछो ना चंद्रबाबू नायडू से, उनके बलबूते पे सरकार चलानी है इसलिए मुसलमानों का रिजर्वेशन वहां चलता है, और महाराष्ट्र के और कर्नाटक के मुसलमानों का रिजर्वेशन आपकी आंख में कुकता है। पाठक साहब जवाब दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है, कोई भी सरकार हो, पूरे देश के अंदर सुनने की क्षमता रखो। बीच में अब चंद्रबाबू नायडू लगे साथ में, चंद्रबाबू नायडू को साथ की बात कह रहा हूँ। एक मिनट पाठक साहब, बट दिस इज अ रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन। जैसे महाराष्ट्र में देर आर ओबीसी कम्युनिटीज विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी में भी, जैसे अंसारी हो गए, सलमानी हो गए, जो जो नाई होते हैं उनको सलमानी कहा जाता है, इस तरीके से अलग अलग जो लोग हैं, पासी है, पंसारी हैं, इन सब ये विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की जब सरकार थी, मंडल कमीशन आपने पास करवाई, उसके अंदर तो क्लियर कट रिकमेंडेशन है। बिल्कुल पास करवाई है, और आपको सर हमने पास गया है तो उसपे एक गठन, एक समिति गठन हुई है कि अगर अदर लोगों को मिल रहा है, अगर अगर सिर्फ और सिर्फ जो जो अपात्र हैं उनको मिल रहा है तो उसपे एक समिति आरक्षण है। वो सर 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 प्लीज सर प्लीज विनती आपसे, विनती क्षमा चाहता हूं। वो कमीशन इसलिए इंस्टीट्यूट की गई है कि लोगों को मालूम पड़ा कि आएंगे सर जी, सब लोग आएंगे, भारत सरकार सुनिए ना, भारत सरकार उसका इंतजार कर रही है। भारत जैसे 3 महीने में रिपोर्ट आएगी, भारत सरकार भी उसी रिपोर्ट के आधार पे, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, भारत सरकार भी उसी क्रीमी लेयर के आधार पे ये आरक्षण का एक सर्वे करवाने वाली है, उसकी भी पूरी रिपोर्ट तैयार हो रही है सर, चिंता मत करिए। जो अनैतिक लोगों को पिछले 50 सालों में जो अनैतिक लोग आरक्षण ले रहे हैं, वो सबके सब लोग निकलेंगे। एक जिस प्रकार अभी महाराष्ट्र में एक मामला आया, इतना उछला आपने देखा कि जिसके पास 40 करोड़ की संपत्ति है, ओबीओ बीसी का आरक्षण लेकर के 8 लाख रुपए के ऊपर का जो लोग भी, 8 लाख की जो सीमा है उसके ऊपर जो लोग लेंगे, उसके उसपे एक कानून बनना चाहिए और सारी चीजें होनी चाहिए, उस पर भी हो हल्ला है। देखिए इस देश में धर्म के आधार पे हमारे संविधान के अंदर आरक्षण की कोई बात बाबा साहब अंबेडकर ने धर्म के आधार पर है ही नहीं, लेकिन जबरदस्ती प्रोफेशन के आधार पर है, कर्नाटक से शुरुआत की। अरे पाठक साहब प्लीज, जो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन है, बाबा साहब आप ही के पास आ रहा हूँ सर, जो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन है वो क्लियर कट कहता है सोशली कल्चरली एंड एजुकेशनली ब्लैक बैकवर्ड क्लासेस, वो भले वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, जो मर्जी हो, वो दैट डजंट मेक अ डिफरेंस। जी अब पवार साहब आप कुछ बोलने वाले थे, बोलिए प्लीज। ऐसी कौन सी जातियां लगती है पाठक साहब को कि जिन्होंने आरक्षण का गलत लाभ लिया है, जिसके ऊपर ये आयोग की बात कर रहे थे और सरकार को रिपोर्ट सौंपने जा रहे हैं, तो ऐसी कौन सी जातियां है, बोले पाठक साहब, हम भी सुनना चाहते हैं। जिन्होंने जिन्होंने बहुत ज्यादा, एक औरत आईएएस बनती है, 40 करोड़ रुपए की संपत्ति है, और 40 करोड़ की संपत्ति अभी तो बताया आपको मैं,
वो खेड़ कर बीजेपी और वही औरत ऐसे तमाम लोग हैं। आपने उस औरत का जिक्र किया, बहुत अच्छा लगा, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। पूजा खेड़कर उनका नाम है, आज ही यूपीएससी ने उसको पूरी जितनी एग्जाम दी थी वो एग्जाम से हटा दिया गया, उनके ऊपर कार्रवाई की ली। वो तो पंकजा ताई मुंडे के साथ में बैठती है बीजेपी के एमएलए के, उनके पिताजी पंकजा मुंडे। इसका क्या मतलब कि उसको रहने दें? इसका मतलब उसको रहने दें? पंकजा के साथ बैठती है तो उसको छोड़ दें? आपका बोलने का मतलब है कि पंकजा के साथ बैठी है तो उसको छोड़ दो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पक्ष के राज में चलते हुए यूपीएससी में भी अब फ्रॉड भर्ती हो रहे हैं लोग, नीट में भी फ्रॉड हो रहा है, यूपीएससी में भी फ्रॉड हो रहा है, एनईटी में भी फ्रॉड हो रहा है। तो ये किन लोगों ने किया, उसकी लिस्ट निकालोगे ना? उसकी लिस्ट निकालोगे तो गिन नहीं पाओगे किन किन लोगों को जज बनाया, किन किन लोगों को आईएएस आईपीएस बनाया, किन किन लोगों को क्या कौन कौन सी जगह बैठाया, उसके उसको गिन नहीं पाओगे। इतने लोगों और सिविल सेवा आयोग कैसे चलता था, किसके कहने से चलता था, इस देश को सबको पता है किसको आईएएस बनाना, किसको आईपीएस बनाना, ये कौन तय करता था, वो भी सबको पता है। पाठक साहब, पूजा खेड़कर जैसा एक नाम बताइए। बाहर नहीं आया, अभी बाहर नहीं आया, आएंगे। चार पांच लोग का इंक्वायरी चालू है, अभी आएंगे सर। चार पांच लोग का इंक्वायरी, इस टॉपिक से थोड़ा हटके हलवा के बात की भी, राहुल गांधी जी ने हलवा के बात किए थे, हलवा बट रहे तो आज बीजेपी ने निकाला पवार साहब। सुनिए सुनिए, हलवा और बीजेपी ने एक बड़ा लिस्ट निकाला है, कांग्रेस घोटालों का हलवा। कांग्रेस घोटाले का हलवा, कांग्रेस घोटाला बीजेपी का लिस्ट है, कांग्रेस घोटालों का हलवा, कॉमनवेल्थ घोटाला, ऑगस्ट वेस्टलैंड घोटाला, जीप घोटाला, बॉफर्स घोटाला, कोयला घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाला, ये सब घोटाला आज बीजेपी ने ऑफिशियल निकाले। बोले ये हलवा है जो कांग्रेस खा लिए। पवार साहब कुछ बोलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कई लाख करोड़ का हलवा बनाया है। ना सुनिए ना, उनको बोलने दो, पाठक साहब उनको बोलने दो। हाँ पवार साहब, कांग्रेस में जितने जितने भ्रष्टाचारी थे, हेमंत बिस्वा शर्मा से लेकर अशोक चव्हाण से लेकर एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार से लेकर, कर्नाटक से हो या पश्चिम वेस्ट बंगाल से हो, जितने जितने लोगों के ऊपर इन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप किया, बेचारे हमारे पाठक साहब जैसे ईमानदार आरएसएस से जुड़े हुए, बीजेपी से जुड़े हुए लोगों को अब उनकी सेवा करनी पड़ रही है। तो ये बहुत बुरी बात है। अशोक चव्हाण साहब को क्यों बीजेपी में लिया, प्रफुल्ल पटेल साहब को क्यों बीजेपी में लिया, हेमंत बिस्वा शर्मा पे जो आरोप लगाए थे उसका क्या हुआ जी? अजित पवार साहब ने 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। पाठक साहब से मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हो गया एक रात में कि 70,000 करोड़ रुपए का जो आरोपी है, जो खुद प्राइम मिनिस्टर साहब मध्य प्रदेश में जाके कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जवाब दूं जी, बोलिए। बिल्कुल, देखिए अजीत पवार साहब को क्लीन चिट देने का काम इन्हीं की सरकार ने किया। ढाई जब ये सरकार में आए उद्धव ठाकरे के साथ, तो सबसे पहले किसको क्लीन चिट दिया? अजीत पवार साहब को। किसने क्लीन चिट देने का काम किया? अजीत पवार साहब को, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की सरकार ने उनको क्लीन चिट देने का काम किया। और और प्लीज करेक्शन सर, जब दो घंटे दो दिन की सरकार बनी थी अजीत दादा पवार और देवेंद्र फडणवीस जी की, सबसे पहला एक्शन उस सरकार का था कि क्लीन चिट दिया अजीत दादा पवार को। पाठक साहब क्या बात कर रहे हैं सर, ऐसा मत बोलिए सर। बजाज साहब जी बोलिए सर। बजाज साहब तब क्लीन चिट नहीं मिली थी, तब क्लीन चिट नहीं मिली थी सर, अभी मिल गई है। नहीं मिली थी सर, अभी मिल गई है। अभी भी निकाल करके देख लिया गूगल पे। पाठक साहब, रविंद्र वाइकर से क्लीन चिट, रविंद्र वाइकर से क्लीन चिट मिली है उद्धव के सरकार में। रविंद्र वाइकर सिंह को क्लीन चिट मिली है उद्धव के सरकार में। रविंद्र वाइकर को मिला राहुल बघेल। अरे पाठक साहब, मैं बता रहा हूँ 2020 में उनको क्लीन चिट मिली है, उसी के लिए दो दिन उद्धव ठाकरे साहब दो दिन मंत्रालय गए हैं उनको क्लीन चिट देने के लिए,
एक दिन उनको क्लीन चीट देने के लिए और एक दिन बजट पास करने के लिए उसी दो दिन बोलिए बोलिए पवार साहब आप बोलिए पवार साहब आप बोलिए प्लीज पाठक साहब मेरी विनती है आपने जो आरोप लगाया कि अजीत पवार ने भ्रष्टाचार किया था ये बीजेपी ने आरोप लगाए थे मोदी साहब ने लगाए थे देवेंद्र भोपाल में तो उनको अगर मान लो कि कांग्रेस की सरकार ने महाविकास आघाड़ी की सरकार और उद्धव ठाकरे साहब ने क्लीन चिट दी है तो वो क्लीन चिट के ऊपर आपका इतना भरोसा है कि हमने भ्रष्टाचारियों को क्लीन चिट दे दी और आपके लिए वो पावर हो गए। मैं जवाब देता हूं सर हसन मुशरफ लालू प्रसाद सर हसन मुशरफ सीबीआई सर महाराष्ट्र की बात कीजिए ना सर हसन मुशरफ सुनिए ना छगन भुजबल ने लालू प्रसाद यादव को कांग्रेस ने लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में जेल भेजा आज उसी लालू प्रसाद यादव के गोद में क्यों कांग्रेस बैठी हुई है जिस लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले में कांग्रेस ने सजा करवाई सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव की गोद में कांग्रेस और किसी को हुई है जिसको सजा हो गई जिस लालू प्रसाद यादव बैठी हुई है इसका भी जवाब सुनो आपका पाठक साहब मुझे आपका आपका डिबेट मुझे बहुत पसंद आया मैं आपका फैन हो गया पवार साहब आपने लालू जी ने जेल गए थे उन्होंने सजा काटी थी सजा अजीत पवार को नहीं हुई थी सजा अशोक चव्हाण को नहीं हुई थी ये आप बोल रहे हो भाई दोनों को क्लीन चिट मिली तो वो दोषी है लेकिन आप नवाब लालू प्रसाद को आप गोद में बैठा अरे मैं आपका फैन हूँ मैं आप बुजुर्ग हो मेरा सुनो मेरा बुजुर्ग हूँ कि अजीत पवार मैं 42 साल का हूँ बुजुर्ग नहीं हूँ 42 साल का हूँ मेरे से तो बड़े हैं इसलिए बुजुर्ग कह रहा हूँ बाकी कुछ नहीं मेरे से बड़े हो इसलिए सबसे आधेड़ उम्र का मैं भाई 55 साल में लोग यार युवा रह रहे हैं और मुझे 42 साल में बूढ़ा बना दे रहे हो गजब का काम है सर मैं 104 साल का हूँ चलिए बोलिए लालू प्रसाद यादव साहब जेल काट के आए और कांग्रेस की गोद में क्यों बैठे है और अजीत पवार साहब और अशोक चव्हाण साहब आप उनकी गोद में बैठे वो कांग्रेस की गोद में थोड़ी वही सुनो ना तो इनका कहना है कि जो जेल में जाके आए हैं ये कांग्रेस वालों के गोद में बैठे हैं या कांग्रेस उनके गोद में बैठी है अजीत पवार अशोक चव्हाण साहब आपने उनको जेल भेजा आपने सजा सुनो सुनो तो छगन भुजबल साहब को सजा करवाने क्या सोनिया गांधी मैडम आई थी या राहुल गांधी सर आए थे हसन मुशरफ को नवाब मलिक को जेल भेजने राहुल गांधी आए थे क्या मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आए थे अरे बेल पे छूटे हुए आदमी अरे सुनो 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 ना नहीं सवाल दे रहा हूँ अरे नहीं सवाल मैं जवाब दे रहा हूँ अरे सवाल नहीं खत्म हुआ पार्टी के अध्यक्ष अरे सवाल नहीं खत्म हुआ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये सवाल घोटाले का किंगपिन है अरे रविंद्र वाइकर को सुप्रीम कोर्ट में आपने जाके लिखा कि हमसे गलती हो गई ये जमीन इन्हीं का है बीएमसी का जमीन नहीं है बजाज बोलिए पवार साहब बोलिए नवाब मलिक साहब को जी हमारे इस देश के जिसे आप महाराष्ट्र के चाणक्य कहते हो देवेंद्र फडणवीस साहब ने देशद्रोही कहा था जी उन पे सेक्शन भी वही लगाया सर सेक्शन भी वही लगाया बिल्कुल वही लगाया है बिल्कुल वही लगाया सेक्शन लगाया सर हाँ तो जिस जिनके ऊपर आपने खुद देशद्रोह का केस डाला है जी उनका वोट अभी एमएलसी चुनाव में बीजेपी वालों ने कैसे लिया भाई क्यों लिया इसे क्या जरूरत पड़ी देखो नवाब नवाब मलिक देश द्रोही है भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है नवाब मलिक देश द्रोही है और रहेगा वो देश द्रोही है वो देश के साथ गद्दारी किया भारतीय जनता पार्टी ने उसका वोट नहीं लिया
ये गलत फहमी में मतलब उसका वो देशद्रोही का वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को उस देशद्रोही का वोट नहीं चाहिए, वो देशद्रोही है और देशद्रोही द्रोही का वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहिए। लेकिन उसी के साथ इतने सालों तक उसी देश जिसको कांग्रेस का प्रवक्ता देशद्रोही बोल रहे हैं, उसी देशद्रोही का इतने सालों तक को अपने अपने गोद में क्यों बैठा रहे, उस दाऊद का समर्थन करने वाले को अपने साथ क्यों रखे रहे, जब ये जान रहे कि वो देशद्रोही था तो उसको अपने साथ क्यों रखे रहे। जवाब मांगिए कि इतने साल तक हम तो आज भी मानते हैं कि वो देशद्रोही है, सर कंक्लूजन कोई समझौता देशद्रोही है, पाठक साहब सुप्रीम कोर्ट द्रोही है सर, हेल्थ ग्राउंड्स पे नवाब भाई को परमानेंट बेल मिल गई, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, वेरी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ आवर्स, इतने अच्छे मित्र हैं कि हमारे खिलाफ उन्होंने मेरे खिलाफ उन्होंने 6 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, मेरे खिलाफ, मेरे खुद के खिलाफ नवाब मलिक साहब ने, ये भी बता दूं आपको, इतने अच्छे मित्र हैं मेरे। लेकिन सर इन कंक्लूजन, पहले अजय पाठक जी, इन कंक्लूजन आप ये बताइए, नंबर एक, क्या जो क्रीमी लेयर वाली कमीशन है उसकी रिपोर्ट आएगी और उसको क्या आप इंप्लीमेंट करेंगे ताकि ओबीसी आरक्षण का फायदा, नाजायज फायदा कोई उठा ना सके, पाठक साहब बताइए। 100% उस पर काम हो रहा है, 100% उस पर काम हो रहा है और यूपी में वो रिपोर्ट बहुत जल्दी आने वाली है, आप देखिएगा यूपी सरकार जिस तेजी से काम कर रही है, जल्दी रिपोर्ट आने वाली है, उसी आधार पे पूरे देश में वो रिपोर्ट लागू होगी, इसकी मैं आपको गारंटी देकर के जाता हूं, और जब रिपोर्ट वो आएगी तो उस पर फिर से बैठेंगे। ऐसे लोग जिन लोगों की संपत्तियां ओबीसी समाज में करोड़ों करोड़ की है, वो गरीबों का हक मार रहे हैं, वो पूरी तरह से समाप्त होना चाहिए, जो जिसका हक है वो उसको मिलना चाहिए, ओबीसी समाज के अंदर, दलित समाज के अंदर या अदर समाज के अंदर जो भी गरीब है उसको मिलना चाहिए, नहीं कि मेरे पास अरबों रुपए की संपत्ति है और मैं भी उसका फर्जी सर्टिफिकेट देकर के ले रहा हूं, उसके लिए जल्दी रिपोर्ट आएगी और सब चीजें उस पे होगी। पाठक साहब आप बताएं कास्ट सेंसस कब तक होगा, क्योंकि अभी तो आपकी सरकार है नहीं, आप कास्ट बेस्ड सेंसस अपने 3 स्टेट में कर सकते हैं, क्या आप करेंगे और क्या आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे, कर्नाटक में तेलंगाना में जहां हुआ है उसको सार्वजनिक करेंगे क्या सर, कर्नाटका में उसको सार्वजनिक करेंगे क्या, करेक्ट है सर, कर्नाटका में, हिमाचल प्रदेश में और तेलंगाना में जहां पर भी आपकी सरकार है वहां पर जैसा आप बोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जो आपने लक्ष्मी स्कीम, मां लक्ष्मी स्कीम जो आपने कही थी, 2-3 और स्कीम्स हैं, वो आप वहां पे भी युवा न्याय हो गया, अलग अलग चीज वहां पर आप वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं ना सर, ऐसी की बात है, जस्ट टू शो एवरीबडी कि देखिए साहब हम लोगों ने तो किया है यहां पर, ये इट विल बी बहुत बड़ी चीज हो जाएगी सर, वेरी फ्रेंकली अगर कांग्रेस ऐसा करती है तो, आप बताएं पाठक साहब प्लीज, प्लीज गो अहेड। जातिगत जनगणना जहां कांग्रेस सरकारें है वहां होकर रहेगी और इस देश में भी कांग्रेस जातिगत जनगणना करने की ही रहेगी। बड़ी बात है ना पवन साहब, आपका स्टैंड महाराष्ट्र में पूछना चाहता हूं, बिकॉज बीजेपी और जो महायुति का स्टैंड, बिकॉज आप जो जनांगे पाटिल ने कहा कि हमारा आरक्षण विल कम फ्रॉम ओबीसी, तो यहाँ आपका यू नो स्टैंड क्लियर नहीं है, इसलिए बार बार उत्कल उद्धव जी के पास गए, आज यू नो अलग अलग नेताओं के पास, आपका स्टैंड क्या है, क्या मराठा रिजर्वेशन शुड कम फ्रॉम ओबीसी और नॉट कम फ्रॉम ओबीसी, अभी तक आपका स्टैंड क्लियर नहीं है कांग्रेस का एंड एनडीए का। ये उल्टी गंगा के शिकार आप जैसे जर्नलिस्ट लोग भी हो सकते हैं, ये मुझे कभी नहीं पूछ रहा, जो हालत चल रहा है वो पूछ रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं खुद मराठा आरक्षण के मूवमेंट में रह चुका हूँ, मैं खुद मराठा आरक्षण के पक्ष में हूँ, मैं खुद एक बीघा भी जमीन नहीं रह चुके ऐसे मराठा कम्युनिटी से आता हूँ, जहां इस आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव क्षेत्र है मराठवाड़ा से, वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ, ये तो आप भली भांति जानते हो। तो सरकार में जो लोग बैठे हैं उनकी पहली जिम्मेदारी है, आपने हमें बताया था, आपने लिखे दिया था, आपने जनसभाएं ली थी, आपके मिनिस्टर आके जरांगे पाटिल साहब को मिलके गए थे, तो हम दो ही सवाल पूछ रहे हैं कि जरांगे पाटिल साहब से जब आपकी मुलाकात हो गई, आपके मिनिस्टर का शिष्टमंडल 3 बार गया था वहां आपने क्या आश्वासन दिया था महाराष्ट्र को, और हमें भी पता चलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जब जरांगे पाटिल साहब के साथ हम पूरी मराठा कम्युनिटी मुंबई के लिए आ रहे थे, तब एकनाथ शिंदे साहब ने
बीजेपी के साथ जो पार्टियां है, अजीत दादा है उनके साथ, एकनाथ शिंदे साहब है, बीजेपी है, उन्होंने जो कहा था वो क्यों नहीं किया। और अब तीसरी बात है कि अगर जरंगे पाटिल साहब की कुछ मांगे है तो बीजेपी सत्ता में बैठी है, एकनाथ शिंदे साहब सत्ता में बैठे हैं, अजीत पवार साहब सत्ता में बैठे हैं, उन्होंने उनसे होता है या नहीं होता है कहना, कुर्सी खाली करो, हम है बताता हूं। नहीं, बट आपका कुछ स्टैंड है कि ओबीसी के रिजर्वेशन से जाना चाहिए, ओबीसी कोटा में से जाना चाहिए पवार साहब? इसलिए तो जातिगत जनगणना पे आते हैं ना हम, और बीजेपी जातिगत जनगणना को इसलिए विरोध करती है। लेकिन यहाँ पर पवार साहब यहाँ पर राहुल गांधी जी ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया है, उन्होंने कहा कि जैसे ही हमारी सरकार आती है हम 50% का जो सीलिंग है वो हटा देंगे, अमेंडमेंट लेकर आएंगे, ऐसा कहा जी 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 आज के स्थिति में मैं पूछ रहा हूँ, बिकॉज सब जगह ये चर्चा चल रहा है कि शरद पवार साहब का स्टैंड क्या है, क्या ओबीसी कोटा में से जाना चाहिए मराठा रिजर्वेशन या अलग होना चाहिए? तो ये स्टैंड प्रदीप जी मैं जवाब दूं, महाराष्ट्र में सत्ता मेरा नहीं हुआ, पाठक साहब 2 मिनट, महाराष्ट्र में सत्ता अभी महायुति की है, महायुति ने उनसे होता है क्या नहीं होता है मराठा आरक्षण, इतना कहना हमारी सरकार आएगी मराठाओं को आरक्षण देगा। देखिए कांग्रेस और शरद पवार साहब, 4 बार शरद पवार साहब मुख्यमंत्री रहे, इन्होंने क्यों नहीं आरक्षण दिया? कांग्रेस के साथ शरद पवार साहब 4 बार मुख्यमंत्री रहे, क्यों नहीं मराठाओं को आरक्षण दिया? और क्या कहा था इन्होंने वो भी लोगों के सामने है। और 2014 में जब देवेंद्र जी ने आरक्षण दिया मराठाओं को और वो आरक्षण टीका सुप्रीम कोर्ट में किन लोगों ने वहां खड़ा नहीं किया वकील, और खड़ा तो खड़ा साहब, एक वकील का चपरासी तक नहीं खड़ा किया। 2019 में जब इनकी सरकार आई इन तीनों पार्टियों की, तो एक सुप्रीम कोर्ट में एक चपरासी, चार बार सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया, इन्होंने 4थी बार में क्या किया, मराठी में लिख करके दे दिया, उसका ट्रांसलेशन तक नहीं करके दिया इन्होंने। और ये बात कर रहे हैं इस तरह की, देवेंद्र जी ने जो कहा वो किया, लेकिन इस मराठा समाज गुमराह नहीं होगा, ये पार्टियां मिलकर के लाख कोशिश कर ले, वो लोग जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र जी के कार्यकाल में ही मराठाओं को आरक्षण मिला 60 सालों के बाद। इन लोगों ने तो आप समझिए कि अन्ना भाऊ साठे के साथ से लेकर के यहां तक इन्होंने 4-4 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद इनके 3-3 मुख्यमंत्री रहे मराठा, ये कांग्रेस के 3-3 4-4 मुख्यमंत्री मराठा रहे, इन्होंने आरक्षण क्यों नहीं दिया? तो पवार साहब आरक्षण की आज से तो बात होती नहीं है, आरक्षण की 65 साल से मांग चल रही है, इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ राजनीति। आज जब उद्धव ठाकरे के घर पे जरांगे जब मराठा समाज जा रहा है तो घर के ताले बंद करके अंदर मुंह छुपा करके बैठ जा रहे हैं, जरांगे की चर्चा कर रहे हैं, मराठा समाज के उनके लोग नहीं है मराठा, जो जरांगे पाटिल जी के लोग हैं, मनोज जरांगे पाटिल जी के, मतलब सिर्फ जो जरांगे पाटिल के साथ है वही मराठा है, बाकी लोग मराठा नहीं है, जो कांग्रेस के साथ खड़े हो जाए वही मराठा है, बाकी मराठा लोग नहीं है, उनके लोग दे रहे हैं कि बाकी कोई मराठा नहीं है। जी जी आप बताएं पवार साहब, आखिरी लास्ट स्टेटमेंट, लास्ट वर्ड फ्रॉम यू, फाइनल वर्ड जी बोलिए। 2004 को सुशील कुमार शिंदे साहब महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे, तब जो अध्यादेश निकला था उसके मद्देनजर ही मराठा आरक्षण की पूरी लड़ाई अब चालू है। 2004 में मराठाओं को आरक्षण दिया गया था, कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद पृथ्वीराज बाबा का सरकार था, जब 2004 को दिया हुआ आरक्षण बीजेपी के लोगों ने ही कोर्ट में जाके चैलेंज किया था, उसके बाद जब पृथ्वीराज बाबा सीएम थे तब मराठाओं को आरक्षण दिया था बीजेपी ने। और ये जिस देवेंद्र फडणवीस साहब की बार बार बात कर रहे हैं ना, वो देवेंद्र फडणवीस साहब होम मिनिस्टर थे तब, मराठा आरक्षण के लिए अंतरावली सदाटी में बैठे हुए हमारी माताओं पे भगिनियों पे इन्होंने हल्ला किया था। इनके साथ बैठे हुए प्रवीण दरेकर, इनके साथ बैठे हुए प्रसाद लाल, इनके साथ बैठे हुए बीजेपियों के जो चंद मराठा लीडर है वो पूरी मराठा कम्युनिटी को, जरांगे पाटिल साहब को बदनाम कर रहे हैं। आज इनके सरकार में बैठे हुए छगन भुजबल साहब मराठा आरक्षण को अपोजिशन में है, तो सरकार की भूमिका मराठा आरक्षण की ये कहते हैं, और इनके साथ बैठा हुआ मिनिस्टर कहता है कि मराठों को आरक्षण नहीं देना चाहिए, तो पाठक साहब इस दोगलेपन का तो कुछ सवाल ही नहीं, कुछ जवाब ही नहीं। राइट, आई थिंक दिस विल कंटिन्यू, आई थिंक दिस विल कंटिन्यू, इन एनी इवेंट वी हैव गॉट अ मेजर प्रॉब्लम हियर, बोथ मिस्टर पाठक एंड मिस्टर पवार।
PNP. Wow, I didn't see that. P1, P2. That's nice. Like A1, A2. That's really and truly nice. Pathak Saab, Pawar Saab, OBC versus Maratha. Now, that is not good for Maharashtra. It is not good for Maharashtra. ये तनावपूर्ण स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए. मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग जो हैं बड़ी शांति से, बड़े प्यार से, बड़ी सद्भावना के साथ सारी समस्याओं का समाधान निकालेंगे. मैं ये उम्मीद करता हूं. एक सर, सर ये सिर्फ 30 सेकंड का जवाब देता हूं. सर एक मिनट, 30 सेकंड, एक मिनट लीजिए, एक मिनट लीजिए, एक मिनट लीजिए, बोलिए ना. देखिए इस देश में साजिशन, इस देश में साजिशन कुछ चीजें चल रही है और चलाई जा रही है जी. इस देश को जातियों में बांटने का जो अंग्रेजों का थॉट था वही धीरे 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 फिर से पनप रहा है और वही वो करना चाहते हैं. आरक्षण है, जिसको आरक्षण की आवश्यकता है उसको आरक्षण मिलना ही चाहिए और हमारी सरकारें जहां जहां हैं वहां वहां आरक्षण मिल ही रहा है. चाहे उत्तर प्रदेश देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए या बिहार देख लीजिए, जहां जहां हमारी सरकारें थी वहां वहां इस तरह का आरक्षण उनको दिया गया, उनके हिसाब से दिया गया. लेकिन जब जब कांग्रेस की सरकारें जहां जहां आई हैं वहां वहां सिर्फ और सिर्फ बखेड़ा खड़ा करने का काम किए. महाराष्ट्र में इतने सालों तक ये लोग मुख्यमंत्री रहे, मराठाओं को आरक्षण देने का इनके इन्होंने कुछ किया ही नहीं. और मैं कुछ ज्यादा बोलना मेरा उचित नहीं है, लेकिन जिसने मराठा आरक्षण मांगा उसके पहली बार उसके साथ क्या हुआ, किस तरह से हुआ और क्या कहा इनके चीफ मिनिस्टर ने कि उनको क्या करना पड़ गया, ये सारा देश जानता है. उसके बाद भी ये किस तरह की बातें और किस तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं वो सब लोग देख रहे हैं. और इस महाराष्ट्र की धरती ये चाहे जितना बितंडावाद खड़ा करने की कोशिश करें, महाराष्ट्र के लोग ये जानते हैं कि एक साथ मिल करके रहना है. ये जिस तरह की भी चीजें करने की कोशिश करें, शरद पवार साहब की पार्टी, कांग्रेस या उद्धव साहब की पार्टी, ये महाराष्ट्र पूरी तरह से शांत और भाईचारे के साथ रहेगा. राइट, पवार साहब, मैं चाहूंगा जातिवादी राजनीति में फंसेगा नहीं. पवार साहब आपसे विनती है छोटी सी, प्लीज आप अपना जवाब तो दें ही, साथ में मैं चाहूंगा मराठी में प्लीज आप अपील करें लोगों से कि शांति बनाए रखें. प्लीज बोलिए. पवार साहब बोलिए. बीजेपी देश में हो या महाराष्ट्र में हो या कहीं भी इस देश के कौन से भी राज्य में हो, जब दंगे फसाद होते हैं, दंगे फसाद किए जाते हैं, तभी सत्ता में आ सकती है. मणिपुर में हमने देखा आरक्षण के ऊपर ही इन्होंने बखेड़ा खड़ा कर दिया है. ओबीसी की जातिगत जनगणना होनी चाहिए हम कह रहे हैं, बीजेपी विरोध में है. मराठाओं के आरक्षण के पक्ष में हम है ये विरोध कर रहे हैं. सरेआम बीजेपी के लोग विरोध कर रहे हैं. मैं महाराष्ट्र की जनता को, पाठक साहब ने सही बोला, महाराष्ट्र की जनता को पता है कि सबको मिलके रहना चाहिए. भारतीय जनता पार्टी की सत्ता 2024 के इस महाराष्ट्र के विधानसभा इलेक्शन के बाद जाने वाली है. माझा महाराष्ट्र हा सुखानं संपन्नतेनं सगळ्या 18 पगड जाती धर्माला घेऊन सोबत राहणार आहे. ओबीसी आणि मराठ्यांमध्ये वाद नाही आहे. भारतीय जनता पक्ष काही ओबीसींच्या पुढाऱ्यांना पुढे करून तसा वाद आहे असा दाखवायचा प्रयत्न करते. आज गावगाड्यामध्ये ओबीसी समाज असतील, मराठा समाज असतील, माझ्या गावात सर्वाधिक ओबीसी आहेत, माझ्या गावामध्ये मराठा मायनॉरिटी मध्ये आहे, आम्ही सगळे गुण्या गोविंदांना जातो. हा महाराष्ट्र छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, शाहू महाराजांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुलेंच्या विचारावर चालणार आहे. बोलवळकर, हेडगेवार आणि सावरकरची नीती ही तर यशस्वी होणार नाही. राईट, थँक्यू सो मच जेंटलमन, थँक्यू व्हेरी मच. सावरकर, सावरकर साहब की नीती यहाँ महाराष्ट्र में चलेगी, चिंता मत करिए. चलिए, सावरकर साहब की नीति महाराष्ट्र के अंदर. गुरु जी को मत भूलिएगा, अरे गुरु जी को मत भूलिएगा, अरे माफी नहीं मांगेंगे, अरे माफी नहीं चलेगी, माफी माफी नहीं मांगेंगे, अरे माफी मांगने चलेगा, अरे माफी मांगते हैं माफी मांगने वाले, जनता लोग की माफी मांगने वाले, जनता लोग की माफी मांगने वाले, जनता लोग की माफी मांगने वाले, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातर, हर हर महादेव. थैंक यू सर. पाठक साहब थैंक यू, एंड पवार साहब थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच. वी रियली रन आउट ऑफ टाइम.
this would have gone on endlessly. Endlessly, yeah. Both were talking very well. Both talked very well. I wish I could continue. I really wish I could continue. But the fact remains, Pradeep ji, that the questions raised by both sides are very, very relevant. Let's be very clear. 2011 census, I agree. 2011 census figures ought to have been released by now. But the point is that the entire exercise could be completed only in 2014. After that, a new government came in. And the new government refused to release the figures. Because they said that there are lots and lots of errors in it. Sidhi baat hai. The burning question right now is, as Manoj Jarangia Patil says, ki Maratha quota should come out of the OBC. And I will ensure that it comes out of the OBC quota. That's now right. Now that is the question. Can you force it like that? And then you got Chagan Bhujbal ji and you got Prakash Ambedkar. Now Prakash Ambedkar ji aaye, wo rallies le rahe bole ki you are saturating the entire OBC quota. Kisi ko kuch nahi milega. If you say that Maratha ko bhi aapko OBC quota se nikalna hai, to hoga hi nahi. Kisi ko naya hi nahi milega. Correct. So you got a problem. And then BJP says that Congress, Sharad Pawar ji and Uddhav Thackeray should give a stand. Is it what they think about Maratha quota within the OBC quota? Now, yes, a bada issue hai, burning issue hai right now. I hope all political parties. I'll tell you very, very frankly speaking, Pradeep ji, this is an issue certainly, but the biggest issue which concerns Maharashtra right now is the state of floods at the moment in various places. Lots of places are underwater, lots of fields are underwater. Bahut kisan hai jinki halat badi kharab hai. So perhaps maybe we should get away from this reservation and other things, then perhaps the government should work for these people. That's a big hope. I think very shortly we'll have Mr. Mehmood Deshmukh with us. Do we have him? Gentlemen? Very shortly I think we shall have Mr. Mehmood Deshmukh with us. But at the moment, take a look at that. Pradeep ji, dekhiye. It's a big issue, sir. Bahut bada issue. Sir, ye sabse bada issue yehi hai. Aaj ki tarikh mein aur Wayanad mein बड़ी बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि 160 लोगों की मौत की खबर आई है सर. केरल में, वायनाड में 160 लोग मर चुके हैं सर. 160 पीपल. अब ये पहले एक रिपोर्ट आ चुकी है, पहले पूरी सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है विच हैड वॉर्न्ड ऑफ एग्जैक्टली दिस. ये कहा गया था कि भैया आप जो हैं पूरी हिल साइड जो हैं पूरी, मतलब वो सारी की सारी बह करके नीचे आ जाएंगी अगर आप वहाँ, जो बहुत डेलिकेट बैलेंस है सर वहाँ पे उसका फॉरेस्ट का और बर्ड का, और जो वहां पे मिट्टी है दैट इज वेरी वेरी डेलिकेटली बैलेंस्ड. यू कांट जस्ट डेन्यूट द एंटायर हिल साइड्स ऑफ ऑल द फॉरेस्ट. अगर आप वो करेंगे द एंटायर हिल साइड इज गोना कम डाउन. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड हियर. दे सेड नॉट ओनली हियर, राइट फ्रॉम कोंकण से नीचे केरल तक द एंटायर द वेस्टर्न घाट्स ऑल आर वेरी इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज. दैट्स राइट. द गवर्नमेंट हैज टू टेक अ स्टैंड. लेकिन प्रदीप जी उसमें क्या हो गया अभी कि हर एक को डेवलपमेंट चाहिए, हर एक को विकास चाहिए, और हर एक को इस किस्म का विकास चाहिए कि जहाँ पर पर्यावरण एनवायरनमेंट ऑलवेज सफर्स. और जब हमारे जो एनवायरमेंटलिस्ट दोस्त हैं हमारे, जैसे कॉमरेड स्टालिन साहब हो गए, नंद कुमार पवार साहब हो गए, हमारे बी एन कुमार साहब हो गए, रोहित जोशी साहब हो गए, हमारे अफरोज शाह साहब हो गए, जब वो कहते हैं कि भैया आराम आराम से चलो, उसके बाद सर प्रकृति का जो प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है. ये देख लीजिए सामने, ये क्या है, ये प्रकृति का प्रकोप है. You have to live with nature, you have to live with the environment and see to it that you strike a balance. You just can't destroy everything and expect no retaliation. You can't do that. So, my saying is that you have to go very sensibly. 160 people have died, which is terrible. I agree with you. Now, you've got an entire data line across the entire Western Ghats, down to Konkan. And pure, now all are ecological sensitive areas. So here I agree with the MNS. जहाँ MNS बोलती है ना कोंकण के अंदर, प्लीज उल्टा सीधा मत करिए. ये बड़े बड़े पोर्ट वहाँ पर मत बनाइए, ऑयल रिफाइनरी वहाँ पर बंद मत बनाइए. वहाँ का समंदर जो है वो अविरल, निर्मल और बिल्कुल पवित्र है. अभी देख सकते हैं उसके, इट्स ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट. प्रदीप जी, कोंकण के अगर समंदर की तरफ आप जाएं, जहाँ पर भी आप खड़े हों, यू कैन एक्चुअली सी द सी बेड. उसका स्थल देख सकते हैं नीचे. द ओशन इज सो क्लियर. अगर आप वहां पर इतना बड़ा पोर्ट बना देंगे सबको, ठीक है, आप नौकरियां मिल जाएंगी. उसके बाद क्या होगा? अभी पोर्ट भी है, माइनिंग भी किस प्रकार से चल रहा है. एंटायर एरिया यू हैव गॉट बिग वे माइनिंग चल रहा है एंड यू नीड टू स्टॉप दैट. सो आई मीन, जब तक आप इस पे ठोस कुछ कदम नहीं उठाएंगे, द इकोलॉजी इज गोइंग टू हिट बैक एज यू सेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड, मे बी नॉट इमीडिएटली. क्योंकि क्या होता है कि एनवायरनमेंट का, पर्यावरण का जो प्रभाव होता है प्रदीप जी, वो बहुत धीमे धीमे होता है. व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड,
अगर आपने कहीं पर जंगल उजाड़ दिया है ना, उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा 10 बरस के बाद। जैसे ये हो रहा है ना अभी केरल में, ये 10 बरस के बाद हुआ है, 15 बरस के बाद हुआ है। लोगों को लगता है कुछ नहीं हुआ। सी दीज गाइज आर जस्ट अलार्मिस्ट, ये वैसे ही बोलते रहते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं। वो कहते हैं शेर आया शेर आया, और शेर आता नहीं, और जिस दिन शेर आ गया उस दिन उसको कोई बिलीव नहीं करता है। मेरा ये कहना है कि जरा जाग जाइए, जाग जाइए, प्रकृति के साथ जीना सीखिए जैसे हमारे पुरखे जिया करते थे। आवर एंसेस्टर्स हैड मेंटेन्ड अ लवली बैलेंस विद विद द एनवायरनमेंट। इन फैक्ट इन इन मलयालम देयर इज अ वेरी एंशिएंट बुक इन मलयालम, आई हैव फॉरगॉटन द नेम नाउ, वेयर व्हेन यू हैव टू कट अ ट्री यू फर्स्ट हैव टू बेग फॉरगिवनेस ऑफ द ट्री, दैट लिसन आई एम कटिंग यू, आई एम कटिंग यू बिकॉज ऑफ दिस 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 रीजन, आई होप यू विल फॉरगिव अस, आई होप यू विल फॉरगिव माई फैमिली, एंड आफ्टर आई हैव कट यू आई विल प्लांट 100 मोर ट्रीज। So this is the kind of culture across, we come from. I mean, across, right from thousands and thousands of years. Yes. I think you pray before you cut a tree, you pray before you disturb the ecology. In any event, it's now done. We brought disaster upon us. Right, and at the moment with us, Mr. Mehmood Deshmukh of the Aam Aadmi Party. Mehmood Deshmukh sahab, namaskar. Namaskar. Jai Maharashtra. जय हिंद जय महाराष्ट्र जय महाराष्ट्र कैसे हैं सर? जय भवानी सर। आप ये बताएं, कल शायद कल के आज कल पूरी इंडिया अलायंस ने भी प्रोटेस्ट किया कि अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, अभी तक उनके बारे में कुछ हो नहीं रहा। अरविंद केजरीवाल जी का जो सुप्रीम कोर्ट ने बेल ऑर्डर दिया, उस बेल ऑर्डर के, उस जमानत के ऑर्डर के हवाले से अलग अलग लोगों को जमानत मिल रही है पीएमएलए केस में, और केजरीवाल साहब अभी भी बंद हैं। सर ये क्या चल रहा है सर? ये तो सर नाइंसाफी है, मुझे ऐसा लग रहा है, ये तो बड़ी दुखद बात है। आप बताएं सर प्लीज। मेहमूद देशमुख साहब, नहीं नाइंसाफी बोल के आप मतलब ये करें, ये सरासर मतलब भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की बेईमानी है, बदमाशी है, जितनी निंदा करे उतना कम है इस मामले में। ये इंसानियत पे मतलब एक समझो ना, ये बदनुमा दाग जैसी राजनीति कर रहे हैं। एक आपने कल नोट किया होगा, मेरी एक्चुअली पूरे इंडिया में कल प्रोटेस्ट था, लेकिन मेरी तबीयत खराब होने के नाते यहाँ मुंबई में भी आजाद मैदान में मुंबई की तरफ से प्रोटेस्ट था और मैं नहीं जा पाया क्योंकि मेरी तबीयत, दो दिन से मेरा मतलब वायरल फीवर था मुझे तो। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, जी सीबीआई को, हाँ सीबीआई को फाइनल मतलब चार्जशीट दाखिल करना था कल परसों, फाइनल जब चार्जशीट दाखिल करना था और उसके साथ में उन्होंने दाखिल भी कर दिया, जब चार्जशीट दाखिल कर दिया लेकिन साथ में जो सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे वो उन्होंने नहीं सबमिट किया, तो इसीलिए वो स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने वो उठा के मतलब कोर्ट ने जो है उठा के वो फाइल वापस कर दी और डेट दे दी। आप मुझे बताइए इसके आप लापरवाही कहेंगे या जानबूझ के ये शरारत कहेंगे? क्योंकि सिर्फ इस बात के लिए मतलब कोर्ट ने उस केस अटेंड नहीं किया क्योंकि जो सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट चाहिए थे चार्जशीट के साथ में वो नहीं सबमिट किए गए, क्योंकि वो ऑफिसर्स का ये इतना नहीं समझ पा रहे थे कि उनको जब ये चार्जशीट फाइनल जब सबमिट करनी है तो उसके साथ में वो डॉक्यूमेंट भी जो चाहिए सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहिए था, नहीं किया उन्होंने। मतलब ये सब जानबूझ के किसी भी तरीके से मतलब अरविंद केजरीवाल जी ज्यादा से ज्यादा दिन अंदर रहे ये कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार में बैठे हुए लोग जो है ये जानबूझ के मतलब परेशान करने पे लगे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल जी के जान से खेलने का काम कर रहे हैं। यू नो मेहमूद देशमुख जी, मुंबई पे आते हैं, मुंबई पे आम आदमी पार्टी जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट कर रहा है, धारावी पर प्रोटेस्ट चल रहा है जहां आप लोग लीड कर रहे हैं, बैंड्रा ईस्ट में आप हंगामा कर रहे हैं, जो एक सेलेक्ट ग्रुप है जो अलग अलग ज्ञानेश्वर नगर वगैरह वहां पर आपका संघर्ष चल रहा है, प्रीति शर्मा मेनन जी का वहां पर एम वार्ड में संघर्ष चल रहे हैं, वहां प्रीति शर्मा मेनन ने खुलेआम इनको ट्वीट किया कि हम जैसे नेताओं का सुनते नहीं तो आम आदमी का कैसे सुनेगा, बिल्डर बीएमसी करप्ट नेक्सस वो तोड़ना चाहिए। तो क्या चल रहा है, क्या आम आदमी को कोई चैन नहीं है ये नेक्सस से?
अलग अलग संघर्ष चल रहे हैं। महमूद देशमुख जी, प्रदीप जी थोड़ा इंतजार कर लीजिए, और 2 महीने का खेल बचा हुआ है। महाराष्ट्र के अंदर भी ये सरकार बदलने वाली है, बदलने का समय आ गया है। इनकी जो तानाशाही है, ये भ्रष्ट सरकार जो है, ये बदल जाएगी तो अपने आप ही जमीन पे आ जाएंगे। ये हकीकत है, हर जगह पे अगर आप आज देखेंगे पूरे मुंबई शहर में, जैसे अभी संत ज्ञानेश्वर नगर की बात आपने कही, वहां पे है ना, वहां पे जो चल रहा था 4 दिन पहले कुछ और है, 4 दिन बाद कुछ और होता है। अब नेता लोग जागते हैं और जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं नहीं मैं आपके साथ में हूँ। अरे बेवकूफ बनाने का धंधा बंद कर दो। क्यों जनता, पब्लिक जो है, मुंबई शहर की पब्लिक जो है वो भोली नहीं रह गई। वो भी समझ चुकी है कि हमारा शुभ चिंतक कौन है, हमारा वेल विशर कौन है और हमारा दुश्मन कौन है। ज्ञानेश्वर नगर के बारे में मैं कहता हूँ कि कल तक कोई नेता वहां पे नजर नहीं आ रहा था। पिछले 15 दिन से बरसात में भीगते हुए वहां की आवाम, वहां की जनता लड़ाई लड़ रही थी और महमूद देशमुख वहां पे लड़ाई लड़ रहा था। तो और आ रहे हैं लोग थे, अब क्यों आ रहे हैं? अब उनको सामने चुनाव नजर आ रहा है जी, सामने चुनाव नजर आ रहा है, पैर के नीचे से जमीन सरक चुकी है। अब वो ये सोचते हैं लीपा पोती कर लेंगे, थोड़ा सा मलम पट्टी लगा लेंगे, है ना, ब्रेड बटर का खेल खेल रहे हैं। लेकिन पब्लिक बहुत होशियार है, पब्लिक उनको अपनी जगह दिखा के रहेगी। इंतजार कीजिए, 2 महीने में बहुत सारे मुंबई में बहुत सारे नेताओं का नशा उतर जाएगा। अरे पूरे महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, मुंबई में खास करके, मुंबई की अगर आप बात करेंगे, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, धारावी में अगर अदानी है तो बांद्रा ईस्ट के अंदर भी अदानी ही है, संत ज्ञानेश्वर नगर में भी अदानी है, डीबी रियल्टी जो है, डीबी रियल्टी एक शाहिद बलवा की कंपनी है, उसका जो डायरेक्टर है नबील पटेल, उसके साथ में जो है मतलब आरती ग्रुप, ये कौन है, ये किसके साथ में काम करते हैं, इनका बैकग्राउंड निकाल लीजिए आप, सब अदानी के लोग हैं। तो अदानी ए टीम, अदानी बी टीम, और फिर उनको उनकी दलाली करने वाले ये मतलब चुने हुए लोक प्रतिनिधि। महमूद देशमुख जी, ज्ञानेश्वर नगर जब आप हम लोग ने गए बार कार्यक्रम कर दिया, हमने जो भी जितने भी नेता इन्वॉल्व है, चाहे वो उद्धव ठाकरे जी के ऑफिस हो, जीशान सिद्दीकी की ऑफिस हो, चाहे वो अनिल परब जी के पास है, हमने उस मैसेज में बोले क्या कर रहे हो आप, या लोगों को आपने अकेला छोड़ दिया। हमने फिर ये भी आगे हाईलाइट कर दिया कि शिव इंफ्रा रिवर वॉक कौन कौन है, कौन कौन है इसमें, मोहम्मद बलवा, नबील, यूसुफ पटेल, अब्दुल बलवा, ये लोग है। फिर और एक कंपनी वहां निकला, शिव इंफ्रा विजन प्राइवेट लिमिटेड, वो भी वो ग्रेट ग्रैंड रेसिडेंसी शीतल के बगल में, कुरला में वहां पर। तो ये अलग अलग, ये दोनों ऑफिस वहीं पर सिचुएटेड है, तो क्या ये नेक्सस पत्र और आप रोशनी डालोगे जब आप कर रहे हैं कि अभी जिसान जितने भी नेता अब इन्वॉल्व होने लगे, ये इन्वॉल्व होने लगे कि गए बार हम जिस प्रकार से कार्यक्रम हुआ और फीडबैक में हम लोग इसको पुश किए थे, उसके बाद बहुत सारे लोगों का रिएक्शन आने लगा, आप स्थिति क्या है वहां पर? महमूद अभी देखिए, ऐसा है कि वहां पे सर्वे को अपोज किया था लोगों ने, डे वन से मैं वहां पे साथ में था और भी कई लोग वहां पे थे, अलग अलग मतलब सामाजिक कार्यकर्ता जो थे वहां पे साथ में थे, और एज ए मैं आपको बता रहा हूँ, एक सामाजिक, मैं यहाँ का बाशिंदा हूँ, मैं इस बांद्रा ईस्ट का रहवासी हूँ, बांद्रा ईस्ट मेरा गाँव है। देखिए बांद्रा ईस्ट में मेरी पूरी जिंदगी गई, तो बांद्रा ईस्ट मेरा गांव है और इस गांव के लोगों के लिए, यहाँ के हर रहवासी के लिए लड़ाई लड़ना मेरा काम है। लोग तो बाहर से इधर आते हैं, पैराशूट से उतरते हैं, राजनीति करते हैं और फिर जब हार जाएंगे तो फिर चले जाएंगे, है ना, और आज अभी वो वक्त भी नजदीक आ गया है। ये तो सिर्फ यहाँ पे कमाने खाने के लिए आए हुए हैं, लोगों को लूटने खसोटने के लिए आए हुए हैं, लेकिन हम इनका सपना पूरा नहीं होने देंगे ज्ञानेश्वर नगर के अंदर, मैं आपको ये कहता हूँ। और ये अभी सर्वे जो है, ठीक है, अब सर्वे बात सोचिए, 15 दिन से वहां पे सर्वे का काम चल रहा था, पुलिस थोड़ा सा ज्यादती कर रही थी, इसीलिए लोगों ने भी मतलब ये किया, और भाई हम जिसको करवाना है करेंगे, नहीं करवाना नहीं करेंगे, इस तरीके से एक स्ट्रेटेजी बना के, और आगे की लड़ाई जो है हम लोग हाईकोर्ट की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। ये ज्ञानेश्वर नगर की लड़ाई जो है वो हाईकोर्ट में लड़ी जाएगी, ये तय हो चुका है, तो ज्ञानेश्वर नगर की लड़ाई हाईकोर्ट में लड़ेंगे, इसके लिए हम गए बैठे हैं। अब जाके कुछ लोग जाग रहे हैं, अब लोग कुछ लोग जाग रहे हैं और बोले हम एक मतलब वो एक कहावत है ना, वो पुतला मौसी का मतलब प्यार आ गया है ना, और बोले मैं हम तो तुम्हारे साथ में खड़े हैं। अरे क्यों बेवकूफ बना रहे हो जनता को,
ये मिनी स्मार्ट सिटी, मिनी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बैंड्रा ईस्ट, ये है क्या, ये है क्या? मिनी नहीं सॉरी बैंड्रा स्मार्ट सिटी जो है, बैंड्रा स्मार्ट सिटी ये प्रोजेक्ट है जो मतलब देवेंद्र फडणवीस जी जब मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उस वक्त ये प्रोजेक्ट आया था। और वो प्रोजेक्ट के सामने मतलब ये आपको बता देता हूँ, पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने एसआरए की जो सीईओ है सतीश लोखंडे साहब को लेटर लिखा था कि बैंड्रा ईस्ट के अंदर कोई भी मतलब ये गवर्नमेंट कॉलोनी के इस तरफ कोई भी किसी भी प्रोजेक्ट में आप एलओआई इशू नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे बैंड्रा स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आने जा रहा है। और उसी को सामने रखते हुए उन्होंने क्या किया, वहां पे जितने भी प्रपोजल सबमिटेड थे सबको कैंसिल कर दिया। संत ज्ञानेश्वर नगर, महाराष्ट्र नगर, सभी प्रोजेक्ट जो है उन्होंने रिकॉर्ड कर दिए। ठीक है, तुम एक तरफ कहते हो पहली बात, अच्छा इस चीज के बारे में जब हमने जानकारी ली एसआरए ऑफिस से, तो एसआरए ऑफिस में खुद एक लोग कहने लगे भाई एक पीडब्ल्यूडी का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एसआरए के सीईओ को कैसे लिख सकता है ये चीज, है ना, कि भाई आप किसी को एलओआई इशू मत करो, ये गलत है, ये नहीं हो सकता। अच्छा उसके बाद में रिकॉर्ड हो गई पूरी स्कीम, वहां तक भी ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, कुछ दिनों के मतलब किसी को एलओआई इशू नहीं किया जाएगा ये कहा गया। और एक तरफ आप कहते हो कि किसी को एलओआई इशू नहीं होना चाहिए इस तरफ, और फिर अचानक ऐसी क्या बात है कि वहां शिव इंफ्रा एलएलपी रिवर वॉक कंपनी आ जाती है, शाहिद बलवा की कंपनी आ जाती है, आरसी ग्रुप आ जाता है, तरह तरह की अलग अलग कंपनियां वहां पे आ जाती है, और उनको प्रपोजल भी दे दिया जाता है वो आउट। ये क्या सरकार के दामाद लगते हैं क्या, इसके पीछे किसका हाथ है, ये भी वो भी समझना पड़ेगा। और आप लोगों को विश्वास में लेने को तैयार नहीं हो, दादागिरी चल रही है, सरेआम गुंडागर्दी चल रही है। मैं समझता हूँ मुंबई शहर में तो मैं हमेशा आज मैंने पूरी जिंदगी मुंबई शहर में गई है, हमको फक्र था, हमको गर्व होता था कि मुंबई के अंदर तो कम से कम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहता है। लेकिन आज मुंबई शहर में मैं देख रहा हूँ सरेआम गुंडागर्दी चल रही है, पुलिस हाथ बांधे खड़ी रह जाती है। पुलिस कहती है भाई हमको लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम आए। और वही पुलिस के सामने मतलब लोगों को मतलब जाती हो रही है, लोग कहते हैं कि भाई हमारे घर का सर्वे नहीं होगा, लोग सुनने को तैयार नहीं है, जबरदस्ती घुसे जा रहे हैं। तो जबरदस्ती आप सर्वे करवा रहे हो, डेवलपर कौन है, सामने आके बात करने को तैयार नहीं, वो मतलब जिसको आना है वो आ जाएगा हमारे पीछे, ये क्या है, मतलब ये क्या इनके बाप दादा की जागीर है क्या जमीन, ये सब मतलब गरीबों को उजाड़ने का काम चल रहा है। संत ज्ञानेश्वर नगर से गरीबों को उजाड़ने का मतलब एक साजिश रची जा रही है, बड़ी साजिश है। और ये समझ लो ये अदानी की बी टीम है, धारावी अगर अदानी ए टीम है तो अदानी की बी टीम बोले तो इधर संत ज्ञानेश्वर नगर। जो सर्वे हो रहा है महमूद देशमुख साहब, जो हो रहा था अब नहीं हो रहा है, जो सर्वे हो रहा था वो किसी कोर्ट ऑर्डर के तहत था, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के तहत था, MMRDA के ऑर्डर के तहत था, BMC के ऑर्डर के तहत था, या गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के ऑर्डर के तहत था, ये कुछ मालूम पड़ा है? नहीं, सही सवाल है आपका। देखिए ऐसा है ना, इसमें कोर्ट का ऑर्डर वगैरह नहीं है, ये डेवलपर का ऑर्डर है। ये डेवलपर ने कहा है कि मेरा प्रपोजल जो है वो SRA ने एक्सेप्ट कर लिया है, और मुझे मतलब एक कंडीशन दी जाती है, उनको कंडीशन डाली जाती है उनके सामने कि आपको सर्वे करना है या नेक्चर, उसके ऊपर जब सर्वे करेंगे तो SRA का ऑर्डर होगा ना, SRA की जो LOI आई है उसके अंदर ये होगा। नहीं, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हुआ सर, और उसके बाद में इनको सर्वे टेबल कैसा है, प्लॉट एरिया कितना है, उसके बाद में स्ट्रक्चर कितने हैं, फिर स्ट्रक्चर अगर कितने हैं तो फिर उसका सर्वे बगैर सर्वे के तो वो चीज सामने नहीं आएगी। तो सर्वे करने के लिए आए हैं, लोगों का ये कहना है। वहां पे मैंने कई लोगों से सवालात किए तो कई लोग कहते हैं भाई हमारा ये एक 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 चीज तो मैं आपको खास करके बता रहा हूँ। वहां पे ये अभी मेरे सामने उस दिन बात आई, एक वहां पे एक महेंद्र सावंत बोल के डेवलपर हैं, उनके पास LOI है वहां पे, उन्होंने उनके 3-4 सोसाइटी है उसकी LOI आई हुई है, 22 जुलाई को उनका एनेक्चर निकला हुआ है। तो एक जगह पर एक मतलब बिल्डर ऑलरेडी काम कर रहा है, उसको LOI आई हुई है, उसके पास उसको एनेक्चर इशू हो जाता है, एनेक्चर 2 जिसको कहते हैं, पात्र है ना,
वो इशू होने के बाद में एसआरआई के सीईओ की तरफ से बोला जाता है कि मैं आपका प्रोजेक्ट जो है वो प्रपोजल जो है वो कैंसिल किया जाता है। क्यों? तो आपके प्रपोजल में कुछ क्वेरी है। आप मुझे एक समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेरी है, अगर क्वेरी होती तो फिर आपने प्रपोजल एक्सेप्ट कैसे किया, आपने उनको एलओआई इशू कैसे किया, आपने एनएचआर कैसे इशू किया, ये सब सवाल खड़े हो जाते हैं। तो सीधी सी बात है, बंद लफ्जों में अगर पूछा जाएगा कहा जाएगा तो इसके पीछे ऊपर कहते हैं कि ऊपर से प्रेशर है। अब वो कौन सा प्रेशर है, वो कौन सी अदृश्य शक्ति काम कर रही है, ऊपर कौन, ब्यूरोक्रेट्स भी डर रहे हैं, प्रशासन हिल रहा है, ये कौन लोग हैं, ये ऊपर कौन है, ऊपर वाले कौन है, वही वही तो समझ में नहीं आ रहा है, ये ऊपर कौन है, ऐसे कौन से महानुभाव है जी। जो लोग है ना, ये लोग तो डरे होंगे बेचारे, वहां पे लोगों की तो हालत खराब होगी। एक तो बरसात हो रही है, ऊपर से कुछ मालूम नहीं, अभी सर्वे के लिए आए हैं, कल बुलडोजर लेकर के आ जाएंगे, फिर क्या करेंगे लोग, आ जाएंगे, सीधी बात है। नहीं, एक सोचिए ना, एक प्रपोजल में एक तरफ एक साइड में किसी को आप एलओ इशू कर देते हो और दूसरी तरफ आप बोलते हो नहीं अब वो आप नहीं कर सकते हो, आप हट जाओ, किसी और को ही देना है वही करेगा। इसके अंदर कहीं ना कहीं में दाल में काला है ना, कहीं ना कहीं दाल में काला है इसमें। और एक देखिए मैं आपको बताऊं, आज अभी महेंद्र कल्याणकर जो नए सीईओ आए हुए हैं जी, वो उनके भी बस की बात नहीं है, वो बेचारे क्या करेंगे, हकीकत है। जब तक इसके अंदर राजनीतिक दबाव नहीं होगा है ना, तब तक मतलब कोई सीईओ भी क्या करेगा। सर राजनीतिक जवाब छोड़िए, मुझे लगता है जो यहाँ के मालिक हैं वही बोल रहे हैं करने के लिए, आज की तारीख में तो मालिक हो गए ना। ये आपने जिनका नाम लिया, आपने जिनका नाम लिया जो उसके पीछे हैं, इस बिल्डर के पीछे जो हैं, वो तो मालिक हो गए ना यहाँ के। मालिक ही समझे ना। अरे सर तो अभी सब कुछ तो उनके पास है सर, एयरपोर्ट उनके पास है, बंदरगाह उनके पास है, ट्रेन उनके पास है, सब कुछ पूरे देश के मालिक है सर, बिजली भी उनके पास है। ऐसा है बजाज साहब जी बोलिए, पूरे देश के मालिक है, एक चौकीदार बिठा रखा है उन्होंने, सुनिए, देख रेख करने के लिए एक चौकीदार बिठा रखा है और देश मालिक अपने जगह पे बैठा हुआ है। तो आपका जहां तक सवाल है, आपको दाद देनी पड़ी होगी, आप लोहा ले रहे हैं देश के मालिक के साथ, कहने का मतलब ये नहीं सर, एक बात सुनिए बजाज साहब, मैं सिर्फ अगर मेरा सर झुकता है तो सिर्फ ऊपर वाले के सामने झुकता है। मैं राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रहा, मैं धर्म और अधर्म की लड़ाई लड़ रहा हूँ, सत्य और असत्य की लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं हक और बातिल की लड़ाई लड़ रहा हूँ, और जब अगर मैं हक पे हूँ तो मैं किसी की परवाह नहीं करता। मेरा मालिक तो ऊपर वाला है, ऊपर बैठा है, और हमारा और आप सबका मालिक एक ही है, एक सबका मालिक एक है, जय श्री राम, कोई मालिक एक है, करेक्ट प्रदीप जी। प्रीति शर्मा मेनन जी, आपके अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी मुंबई के अध्यक्ष, उन्होंने भी एक संघर्ष छेड़ा है एम वार्ड में शायद, और वहां पर उन्होंने कंप्लेन किया जिस प्रकार से बीएमसी और बिल्डर्स के नेक्सस है उन्हीं के बात मान नहीं रहे, और जब एक लीडर पॉलिटिकल लीडर के बात वहां पर सुना नहीं जा रहा है तो आम आदमी को क्या जस्टिस मिलेगा, तो क्या उस पर थोड़ा रोशनी डालेंगे आप, क्या है अगर चाहे तो? ऐसा है कि हमारी अध्यक्ष हमारी एक डायनामिक लीडर है, वो लड़ने में खुद सक्षम है, और आम आदमी पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता, हर वॉलंटियर्स एक संघर्ष करने में मतलब मजबूत है। लोग कितना भी कोशिश करें प्रेशर लाने का, दबाने का, हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और हारेंगे, ये आप समझ के चलिए। और इसी चीज का इनको डर है, भारतीय जनता पार्टी को, ये जो बैठी हुई है महाराष्ट्र में, जो ये सत्ता बैठी है, सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, ये डरे हुए लोग हैं, ये भी उन्हीं का उसी का हिस्सा है, ये है ना। तो ये अभी समय नजदीक आ रहा है, 2 महीने का आप इंतजार कर लीजिए, ये सब बाहर हो जाएंगे। एक आपका संघर्ष चल रहा है जबरदस्त धारावी में भी आप सर्वे का, जिस प्रकार से सर्वे का विरोध किया है, मगर मालूम पड़ रहा कि जो अडानी ग्रुप है वो सर्वे अपना चालू कर दिया है, वहां भी जबरदस्त तरीके से आप विरोध कर रहे हो, तो कहां तक हासिल हो गए आप सफल? देखिए ऐसा है प्रदीप जी, सर्वे हो रहा है तो वहीं तक का बात मतलब खत्म नहीं हो जाती है, सर्वे हो गया मतलब सब का बात खत्म हो गया ऐसी बात नहीं है, देखेंगे, लड़ाई तो लड़ते रहेंगे ना, आखिर सर्वे के बाद में भी तो कुछ है, हाईकोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, लड़ते रहेंगे। वहां तो सभी पार्टियां इकट्ठी है ना सर, सभी लोग इकट्ठे हैं वहां तो, आप भी हैं, कांग्रेस भी है, शिवसेना भी है, उद्धव सेना भी है, और तो ये भी सुना है
कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत लोग जो हैं वो बिल्कुल धारावी के लोगों के साथ में, असल में वो भी बड़े त्रस्त हैं कि ये हो क्या रहा है। ऐसा है, हाँ, ये मेन बात तो ये है सर कि वहाँ पे लोगों की भावनाओं को समझने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है जी। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो भी तो इस देश के नागरिक है, उस धारावी के नागरिक है, वहाँ के बाशिंदे है, है ना, पार्टी पार्टी बाद में है सर, पहले उनका घर है गरीबों का, वहाँ पे वो कार्यकर्ता होगा, पदाधिकारी होगा, उसका भी तो घर है ना। हमने तो ये भी सुना है कि आरएसएस के लोग हैं बहुत, नहीं सर प्रमोद देशमुख साहब, हमने तो ये भी सुना है, मतलब मैं खुद अपनी व्यक्तिगत तौर पे बात कर रहा हूँ कि बहुत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों से भी बात हुई है, वो भी काफी त्रस्त है, वो भी डिस्टर्ब है इसको लेकर के, और उन लोगों में भी काफी लोग ऐसे हैं जो समर्थन कर रहे हैं एजिटेशन का, कि ये क्या है भाई, ये गलत है बिल्कुल, ऐसा बोल रहे हैं लोग जी। बताएं सर, ऐसा है बजाज साहब, अभी आपने अभी आरएसएस का जिक्र किया, मैं तो समझता हूँ ना कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है तो शायद आरएसएस के लोग भी, जो सीनियर लोग हैं, वो भी पछताते होंगे कि हमने कैसे लोगों को सत्ता में लाके बैठाया। क्या हमारा यही सपना था कि लोगों को मतलब ये देश बेचने के लिए सत्ता में लाए? सर सामने बोल रहे हैं, और तो और छोड़िए, आजकल तो पब्लिक में बोल रहे हैं सर। हाँ बोलेंगे ना सर, अरे देखिए ठीक है, हम लोग एक विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अलग अपनी जगह पे है, लेकिन जैसे जब जो कल तक हम सुनते थे कि आरएसएस के लोग गली गली में जाके लोगों को, मतलब गली मोहल्ले में जाके, गांव खेड़ों में जाके लोगों को समझाते थे, तो ठीक है, लेकिन आज जिनको उन्होंने सत्ता में बैठाया है, आज वो तो सिर्फ दो लोगों के लिए काम कर रहे हैं जी, इस देश के अंदर सिर्फ दो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अदानी अंबानी के लिए, और अब तो सिर्फ एक ही नाम चल रहा है जोरों में, अदानी अदानी अदानी। अदानी मतलब इस देश की 144 करोड़ जनसंख्या तो नहीं हो सकती ना, आप देश को किस दिशा में ले जा रहे हो। चलिए सर, महमूद देशमुख साहब, उम्मीद करते हैं कि आपका संघर्ष सफल हो, हम आपके संघर्ष में बिल्कुल आपके साथ हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बैंडराइस्ट के इतने लोग हैं, उनको असल में अपना घर मिले और वहीं मिले। आखिरकार प्रदीप जी, फिर रिमेंबर देवेंद्र फडणवीस जी ने, जब वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने खुद ने एक जीआर लाया था कि इन सीटू जहां पर जो है उसका पुनर्वसन वहीं होना चाहिए। ये देवेंद्र फडणवीस साहब लेकर के आए थे, तो वो आज वो भूल क्यों गए? मेरा ये कहना है कि उनको याद दिलाना पड़ेगा ना, कि आप याद दिला दीजिए आपके चैनल के माध्यम से, मैं भी अपील करता हूँ जी। जो मैं अभी तक सुनता हूँ कि देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में, जो मैं सुन रहा हूँ कि भाई वो मतलब अच्छे इंसान है, तो अगर वो अगर इसका संज्ञान ले और लोगों को इंसाफ दिलाए। उनका जीआर निकला, खुद गवर्नमेंट रेगुलेशन निकला सर उनका, ऐसी के बाद उन्होंने खुद निकाला था कि जो जहां पर है उसका पुनर्वसन वही होना चाहिए, उसको उठा करके कहीं बाहर नहीं फेंकना है। तो संत ज्ञानेश्वर नगर के जितने भी लोग हैं उनका पुनर्वसन वही हो, और जो वो चाहिए, जैसे 500 स्क्वायर फुट उनको चाहिए, आप प्लीज दे दीजिए, मामला खत्म है। आई एम श्योर अगर ऐसा हो जाए तो जितने भी लोग हैं, जो भी बिल्डर आएगा उसके साथ कोऑपरेट करेंगे, आप भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई। बेशक बेशक, अगर सबको अपना अच्छा घर मिल रहा है, अच्छी रहने की सुविधाएं मिल रही हैं, तो कोई क्यों नहीं करेगा सर, सहयोग करेगा। सर लोग सिर्फ घर ही मांग रहे हैं, बाकी कुछ नहीं मांग रहे। लोगों का कहना यही है कि हमको हमारा घर मिले, लेकिन कम से कम विश्वास में तो लो, हमसे और यही मिले, और यही, हाँ उसी जगह पे घर मिलना चाहिए बिल्कुल। उसमें वो एग्रीमेंट में बाकायदा लिखा जाता है कि भाई कहीं जहां पे भी देंगे चले जाएंगे, ऐसे नहीं होता ना। आई एग्री सर। महमूद देशमुख साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ एक तो आपका संघर्ष जो है वो कामयाब हो, वी ब्लास्ट हिम ऑलरेडी, और एक तो आपका संघर्ष कामयाब हो, और दूसरी चीज क्या है कि अरविंद केजरीवाल को जल्द से जल्द, अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी और विभव कुमार जी का तो केस ही बड़ा अजीब है, उनको बहुत जल्द से जल्द जमानत मिले और वो बाहर आए, और जितने लोग सारे और अलग अलग प्रोजेक्ट से अफेक्टेड है उनको भी न्याय मिले, एकदम फौरन न्याय मिलना चाहिए, सबको घर मिलना चाहिए, और इसमें 50% ऑफ मुंबई आ जाता बिकॉज पूरे स्लम्स में अगर न्याय मिलता, बिकॉज पूरे स्लम्स आज के तारीख में अडानी जी के पास है, एयरपोर्ट लैंड, धारावी प्रोजेक्ट, बांद्रा ईस्ट, एवरीवेयर राइट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू महमूद देशमुख साहब, जय हिंद जय महाराष्ट्र, थैंक यू, जय हिंद जय महाराष्ट्र। But really, Pradeep ji, this has gone long enough. I mean, kya hai matlab? Ye sare policy jo hai, it seems to be failing more than succeeding. I mean, what's going on here? We've been covering it now ever since the SRA policy was introduced. Here, the problem is there'll be no in situ. They want them out of this particular place. That's right. Otherwise, they say they will not be able to make any profit. So, where will they go? There's no other land available. Kahan jayenge?
वहीं भेजेंगे इनको मुलुंद के आगे, और मुलुंद के आगे अगर भेजते हैं तो वहां जाएगा कौन सर? डंपिंग ग्राउंड में कौन रहेगा? आप मुझे खुद सोच के बताइए। या रेलवे लैंड में लेंगे, रेलवे लैंड एंड डंपिंग और सॉल्ट पैंस, सो दैट द फर्स्ट टू बी फ्लडेड विल बी द सॉल्ट पैंस, दे विल एक्ट एज अ बैरियर टू द रेन वाटर व्हिच गोज बैक इनटू द सी। अगर वहां पर रहेंगे तो मतलब आई होप टू गॉड दे वेक अप। यही सॉल्ट पैन से याद आया प्रदीप जी, आज जो केरल में इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, इसको देख करके अब तो जाग जाओ। ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल, 160 लोग मर चुके हैं, अब भी क्या आप सॉल्ट पैंस की रीडेवलपमेंट और उनको रियल एस्टेट डेवलपमेंट में देना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि ऐसी त्रासदी हर रोज मुंबई में हो? द सॉल्ट पैंस सर्व एज द बिगेस्ट कैचमेंट एरिया फॉर द मॉनसून रेन वाटर टू ड्रेन आउट। अगर आप सॉल्ट पैंस को आप डेवलप कर देंगे तो जो आज केरल में हुआ है ना, वो हर दूसरे तीसरे दिन मुंबई में होगा। इस विषय के बारे में हम लोग बात करेंगे व्हेन वी हैव आवर फ्रेंड मिस्टर नंदकुमार पवार और मिस्टर और कॉमरेड्स और मिस्टर स्टालिन और रोहित जोशी साहब विद अस और बीएनके। आई होप वी शुड हैव देम हियर वेरी सून, बट एट द मोमेंट विद अस वी हैव आवर ओल्ड फ्रेंड मिस्टर मुकेश गांधी। मुकेश गांधी साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। मुकेश गांधी साहब नमस्कार। नमस्कार, जय सियाराम सर, हर हर महादेव, कैसे हैं? जय सियाराम, हर हर महादेव। तो मुकेश गांधी साहब, ये जरंगे पाटिल साहब और छगन भुजबल साहब का ये मसला जरा खत्म ही नहीं हो रहा, अब तो प्रकाश अम्बेडकर साहब भी कूद गए बीच में। तो छगन भुजबल साहब जो हैं वो तो अजीत दादा पवार की भी नहीं सुन रहे, एकनाथ शिंदे की भी नहीं सुन रहे, देवेंद्र फडणवीस की भी नहीं सुन रहे, क्या चल रहा है सर? वो तो सरकार में है ना, ये क्या है? मतलब सरकार की, अगर मेरा ये कहना है आपके डिफरेंसेस हैं सरकार से, फाइन, लेकिन सरकार की एक बार पॉलिसी बन गई, आप सरकार में मंत्री हैं, यू हैव टू फॉलो द लाइन, या तो आप लाइन को फॉलो करें या रिजाइन करें, बताइए सर। मुकेश गांधी साहब, देखिए ऐसा है कि छगन भुजबल जी को तो ये मैटर जो है वो सॉर्ट आउट करनी है, इसमें वो अजीत पवार से या शिंदे से या फडणवीस से किसी से भी ऑपोजिशन में जाकर के अपोज में जाके काम नहीं करते हैं। पर ये मैटर बहुत बड़ी ट्विस्ट हो गई है, ये मैटर को सुलझाने के लिए वो सामने से शरद पवार जी के पास भी गए और उनका एक ही रवैया था कि किसी भी हालत में ये मैटर को सॉर्ट आउट कर दे। अभी ये क्या हो गया है कि आजकल अभी शरद पवार जी भी ऐसा बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र भी दूसरा मणिपुर होने वाला है क्या? अभी ये क्यों ऐसा एट रैंडम ऐसा ही कुछ भी बड़े इतने बड़े नेता बोल देते हैं? क्या महाराष्ट्र की वो कल्चर है, महाराष्ट्र की यहाँ की राजनीति, यहाँ के लोगों की रहने की, यहाँ की लोगों की थिंकिंग, यहाँ की जीवन शैली, ये क्या ऐसी है कि इसको आगे जाकर के मणिपुर बन जाएगा? तो ये नरेशन जो होता है वो बहुत गलत हो रहा है। मेरे हिसाब से शरद पवार जी को, देवेंद्र फडणवीस को, उद्धव ठाकरे जी को और सभी नेताओं को एक बंद कमरे में बंद कर देना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि जब तक आप सॉल्यूशन लाके नहीं देते हैं ये मराठा और ओबीसी का, तब तक आपको बाहर नहीं आना है। और वो सॉल्यूशन आके एक मत से उनको सबको, सर ऐसा होगा क्या? ऐसा करना ही पड़ेगा, ऐसा लोक आंदोलन, एक ऐसा लोक आंदोलन नहीं तो खड़ा होगा। ये नेताओं को सबको एक साथ में बिठा के एक रूम में बंद करो और उनको कहो कि एक रेजोल्यूशन पास करे विथ ऑल द यूनिनिमस डिसीजन। ये क्या है, कितने लास्ट कितने सालों से ये मराठा के बिचारे, कितने हमारे दोस्त लोग हैं, कितने गरीब लोग हैं जो ये मोर्चे में जाके गले फाड़ फाड़ के एक मराठा सौ मराठा ये वो सब नारे लगाते हैं, ओबीसी वाले अपने नारे लगाते हैं। और ये जो विग्रह का जो काम ये जो कोई भी राजकारणी आज कर रहे हैं ना, उनको भगवान माफ नहीं करेगा। अब नहीं तो प्रकाश अंबेडकर भी आ गए सर, अब तो उसमें प्रकाश अंबेडकर साहब भी आ गए। हाँ तो सब आएंगे ना, तो सबको बिठा दो, अंबेडकर को भी अंदर बिठा दो, होगा क्या? अंबेडकर जी को भी बिठा दो। बड़ी इम्प्रैक्टिकल बात कर रहे हो सर, प्रैक्टिकली बात कीजिए, क्या ऐसा होने वाला है? देखिए बीच में सह्याद्री में देवेंद्र फडणवीस ने और शिंदे जी ने यही प्रयत्न किया और सब ऑपोजिशन वालों को बुलाया और बुला के उन्होंने तय किया कि भाई कोई एक सॉल्यूशन आए। पर उस वक्त शरद पवार जी के यहाँ से कोई नहीं आया, उद्धव जी के यहाँ से कोई नहीं आया, पटोले के यहाँ से कोई नहीं आया। तो ये क्या है
के अंदर अंदर ये लोग ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी एक दूसरे को जो मैटर को सॉल्व करनी चाहिए उसकी जगह उसको उलझा रहे हैं, तो ये गलत बात है। और भुजबल को तो किसी का भी मानने को तैयार है मेरे हिसाब से, ही इज वेरी कोऑपरेटिव एंड वेरी कंफर्टेबल टू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम, बट वो नहीं आता है तो उनकी आंखों में मैंने पानी भी देखा है। मुकेश गांधी साहब ने, मुकेश गांधी साहब आज के वक्त पर क्रूशल इश्यू ये है कि मनोज जरांगे पाटिल जी कह रहा है कि मैं मराठा रिजर्वेशन ओबीसी कोटा से लेख हासिल करके ही रहूंगा। नाउ पर ये जीत क्यों है, इसकी ऐसी जीत क्यों है ऐसी? तो ये गांधी साहब, ये आपसे जानना चाहता हूं, बिकॉज आप लोग बार बार शरद पवार जी के व्यू जानना चाहते हैं, उद्धव ठाकरे जी के स्टैंड जानना चाहते हैं, कांग्रेस के स्टैंड जानना चाहिए। क्या जरांगे पाटिल जो बोल रहे हैं कि मराठा का जो रिजर्वेशन है ओबीसी कोटा से देना चाहिए, और जो तो सबका स्टैंड, किसी का स्टैंड क्लियर नहीं हो रहा है। शरद पवार जी का स्टैंड क्लियर नहीं हो रहा है, कांग्रेस का स्टैंड क्लियर नहीं हो रहा है, और उद्धव ठाकरे जी का स्टैंड क्लियर नहीं हो रहा है। तो क्यों, आपको क्या लग रहा है क्यों नहीं हो रहा है स्टैंड? सर मैंने आपको वही तो बताया कि ये सब जब एक साथ में बैठकर के जरांगे पाटिल को भी बुला उसमें, और इनके जो ओबीसी के भी जो नेता है जो तो जिन्होंने भूख हड़ताल की थी उनको भी बिठाओ, ये सबको एक जगह पे सह्याद्री में बैठना चाहिए और ये मैटर को सॉर्ट आउट करनी चाहिए। कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? सब कानून नहीं हो सकता ना सर। सर कैसे होगा जब तक सेंटर का इंटरवेंशन नहीं होगा, जब तक मोदी जी का हस्तक्षेप नहीं होगा इसमें, और अभी मोदी जी के पास वो मेजोरिटी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? सब लोगों को साथ में बैठाना पड़ेगा, इंक्लूडिंग राज्यसभा, दिस इज नॉट अ फाइनेंस बिल। ये तो नहीं है कि लोकसभा में पास हो गया तो हो गया, नहीं होगा, राज्यसभा में जाना पड़ेगा। राज्यसभा में आज की तारीख में बीजेपी इज 10 शॉर्ट, 96 होने चाहिए, उनके पास 86 है अभी, तो सबको कांग्रेस को भी साथ में लेना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी को भी लेना पड़ेगा, टीएमसी को भी लेना पड़ेगा, सबको बोलना पड़ेगा कि भाई हमारी मदद कीजिए, जो 50% सीलिंग है उसके लिए एक अमेंडमेंट पास कराइए, इट कैन गो अप टू 60%। मुकेश सर ऐसा है राजीव जी के जैसा, ऐसे ही गुजरात में ऐसा ही पाटीदारों का ये रिवॉल्यूशन हुआ था, उनके उस टाइम में भी हार्दिक पटेल बड़ा नेता जरांगे पाटिल जैसा बन गया था और उसने भी ऐसी बड़ी बड़ी डिमांडें की थी। आखिर कॉम्प्रोमाइज जरांगे पाटिल को भी हार्दिक पटेल की तरह कुछ कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला लाके खड़ी करनी चाहिए। आज जरांगे पाटिल ऐसी बात करता है कि जैसे वो महाराष्ट्र का डिक्टेटर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको बोलना चाहिए कि भाई कायदे में जो बैठता है वो बिठा के मेरे मराठा भाइयों को आप ये कर दो। अभी आप ओबीसी का भाग मांगेंगे तो ओबीसी वाले भड़केंगे, भड़क चुके हैं सर, भड़क चुके हैं। ये गलत है ना, तो इनको शरद पवार साहब को और शिंदे साहब को सबको मिलके जरांगे पाटिल को भी समझाना चाहिए कि भाई तुम कहोगे तो दिन तो तुम कहोगे रात, ये महाराष्ट्र में नहीं होता है। जो चीज होती है वो कायदे से होनी चाहिए सर, और कायदे सर कहां से मानेगा वो, आप मुझे बताइए। मुकेश गांधी साहब आपसे पूछता हूँ, दिल पे हाथ रख के बोलिए, अभी तक उसको पैंपर किया, मेरी बात सुनिए ना सर, वो बेचारा शरीफ आदमी है जरांगे पाटिल, वो छोटा सा नेता कहां से आया, शरीफ है शरीफ है जी, पर उनका इंटेंशन सही नहीं है सर। इंटेंशन कैसे, कैरीड अवे, ही इज कैरीड अवे बाय समबडी। सर पूरी बात तो सुन लीजिए। हाँ जी सर, उसका स्वागत करने एकनाथ शिंदे जी खुद जाते हैं, जहां पर वो जाते हैं इतने बड़े बड़े फूल उनके ऊपर बरसाए जाते हैं, ऐसे उनको ट्रीट किया जाता है कि जैसे वो पता नहीं नए अवतार आ गए हों, जैसे महात्मा फूले वापस आ गए हों, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज वापस आ गए हों, इस किस्म की उनकी ट्रीटमेंट। वो देखिए ना सर, जो फोटो चल रही है वो देखिए सर, वो तो सर ऐसे तो लाल बाग के राजा का स्वागत होता है गणपति के पास, ठीक है, तो उसके बाद आदमी को तो अपने आप लगने लगता है ना कि मैं तो वो बहुत बड़ा नेता बन गया हूं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हमारी जो सरकार है उन्होंने ही इसको इतना बढ़ावा दिया है ना सर। अगर पहले इसको बोल देते कि भैया नहीं होगा, आराम से बैठ, कानूनन जो होगा वो देंगे, जो नहीं हो सकता नहीं देंगे, तो इसमें आपको लगता नहीं है कि एकनाथ शिंदे साहब, अजीत दादा पवार साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब, इन तीनों को मिलकर के पहले इसको समझा देना चाहिए था? अब आप बताएं सर, प्लीज गो अहेड। सर आपको प्रीवियस हिस्ट्री सब मालूम है कि जरांगे पाटिल को मिलने के लिए सभी बड़े बड़े बीजेपी, शिवसेना, अजीत पवार गढ़ के सभी नेता हमारे लोग उनके पास मिलने के लिए गए, उनको समझाने के लिए। मैं तो ये सोचा क्यों गए, वो काहे के लिए समझाने के लिए गए कि भाई तुम जीत छोड़ो,
क्योंकि अभी उसको इतना लार्जर देन साइज बना दिया है उसका प्रोफाइल, तो ये इतना इसके भी लास्ट टाइम भी हमारे डिस्कशन में मैंने यही बात की थी कि इसके पीछे, इनकी सभा के पीछे, इनके सम्मान के पीछे जो लाखों करोड़ों का खर्चा हो रहा है वो कौन कर रहा है? Who is doing this, all this expensive? So who was doing it? Have you found out? I have not found out. जय प्रकाश नारायण जी और लोग भी जो आते थे जी, तो वो लोग भी कोई इतना खर्चा नहीं करते थे, कोई नहीं करता था, सभा में भी कुछ नहीं ऐसा होता था। आज जी लास्ट टाइम अन्ना हजारे का भी जो रामलीला में प्रोग्राम हुआ तो उसमें भी कोई इतना खर्चा नहीं होता था, पर ये जरांगे पाटिल को इतना बड़ा लार्जर देन साइज बना करके उसका प्रोफाइल बना दिया है। तो देखिए ये इश्यू को तो एक ही बात है कि जरांगे पाटिल को किसी भी आदमी को जाके कन्विंस करना पड़ेगा, और इसमें सेंटर भी कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि सेंटर का रोल अभी इसमें आता नहीं है। जो कायदे के हिसाब से जो संविधान ने जो मैटर दी है और उसके कारण 10% शिंदे जी ने अप्रूव करवाया और फडणवीस जी ने बोला कि कायदे में जो कहां से देंगे 10%? सर 10% कहां से देंगे? नहीं 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 10% उन्होंने बोला जैसे जैसे देखिए पाटीदार का गुजरात में जब हुआ तब गुजरात में भी यही हुआ था कि 10% एक्स्ट्रा दिया था कि जो गरीब लोग हैं, जो गरीब है वो तो पहले से ही है, ईडब्ल्यूएस तो पहले से ही है, वो तो मोदी जी ने पास करा दिया। वो पाटीदार में वो पहली बार रेजोल्यूशन आया और बाद में ऑल ओवर इंडिया उसको फॉलो अप किया गया है और वही रेजोल्यूशन इसके लिए जरांगे पाटिल को भी दिया गया, वो तो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। यू नो आप आज के सामने आपके सामने बहुत बड़ा मुद्दा है कि संजय राउत ने कहा कि अजित पवार जी का इंक्वायरी होना चाहिए। अजित पवार एकनाथ शिंदे से छुपके से डिस्गाइज में अलग अलग वेश बदल के अमित शाह को मिलने जाते थे। अजित पवार क्या कौन सा वेशभूषा लेते थे और जो बोर्डिंग कार्ड में कौन से नाम गलत गलत नाम से लेके जाना और एकनाथ शिंदे जी भी मौलाना बनकर वहां पर जाना, बोर्डिंग पास में कौन सा नाम, तो ये बोले कि ये टोटल ब्रिज सिक्योरिटी ब्रिज है, एयरपोर्ट का ब्रिज है और इसमें टॉप लेवल लोगों के जिस प्रकार से उनको सपोर्ट था इस ब्रिज कमिट करने में, तो उन्होंने इंक्वायरी मांगी। तो क्या ये जरूरी जरूरी था ये वेशभूषा बदल के जाना, अमित शाह से मिलना, अलग अलग नाम से जाके मिलना, बोर्डिंग पास कैसे इश्यू हो गया उनका क्लियरेंस के, तो इंक्वायरी अगर मांगा है तो कुछ गलत है क्या गांधी साहब? पर क्या इन्होंने संजय राउत ने कोई इसके सामने कोई ऐसा एविडेंस दिखाया है कि खाली उसका एजम्पशन है? वो पहले क्लियर होना चाहिए ना। मैं आपको बोलूं कि आप भी सफर करते हो अलग अलग नाम से, आप दिल्ली जाते हो, आप चेन्नई जाते हो, राजस्थान जाते हो, तो ऐसा थोड़ी होता है। उनके उन्होंने अगर जो भी संजय राउत ने बोला है, और मुझे नहीं लगता है कि अजित पवार को चेहरा बदल के या बेनामी नाम करके उसको दिल्ली अमित शाह जी को मिलने जा रहे हैं, अमित शाह को मिलने को जा रहे हैं, कोई दाऊद को मिलने को तो नहीं जा रहे हैं, तो उसमें छुपाने की क्या बात है सर? नहीं ये पूरे डिस्कशन चल रहा है कि डिस्गाइज में गए थे। बोलो ना प्रूफ, प्रूफ प्रूफ टीवी पे दिखाए ना, सबको सब मिलता है ना वहां से इंफॉर्मेशन निकाल के। आप वेग बोलते हैं ऐसा थोड़ी चलते हैं। फेलियर ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी इन पुणे फ्लड्स, राज ठाकरे जी गए थे पुणे में, बोले फ्लड्स कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया प्रशासन, प्रशासन जब गार्डियन मिनिस्टर अजित पवार जी है पुणे के, एंड पुणे सफर्ड द मोस्ट, पानी छोड़ दिया, लोगों को इन्फॉर्म नहीं किए, हर घर में पानी घुस गए सिल्ट के साथ, आज भी एक प्रकार का वातावरण बिगड़ा हुआ है पुणे में। तो क्या अजित पवार जी कंट्रोल नहीं कर पाए, प्रशासन कंट्रोल में है नहीं, राज ठाकरे जी जो आरोप किए कितना सच्चाई है उसमें? सर ये जो वाटर डैम के ऊपर का जो भी पानी का उसके जो जो दरवाजे खोलने पड़ते हैं, पानी को ये करना पड़ता है, उसके पहले अलार्मिंग अजित पवार जी हो कि ना हो, वो उनकी पूरी जो सिस्टम है वो सिस्टम लोग जानते नहीं है। अभी कुछ हो गया, कुछ पानी में फ्लड आ गया, ये अजित पवार होंगे या कल वहां उद्धव ठाकरे जी होंगे, कोई भी होगा, पर ये तो पूरी सिस्टम से काम होता है। इसमें मिनिस्टर आके उसके लिए कोई उनकी इंस्ट्रक्शन आएगी फिर बाद में खोलेंगे करेंगे, ऐसा नहीं होता है। पानी का एक लेवल बढ़ गया तो डैम के दरवाजे खोलने पड़ते हैं, उसका एक सिस्टम है पूरा। अब पूरा उसके ऊपर मैंने तो पूरा गूगल के ऊपर और उसके ऊपर इंक्वायरी करके पुणे में भी और यहाँ जो भी होते गुजरात में भी कई लोगों से ये टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया है कि व्हाट इज द मैटर,
ये कैसे फ्लडिंग होता है, गुजरात में भी ऐसा हुआ है, तो ये क्या है? अभी राज ठाकरे जी अभी बड़े नेता है तो अभी किसी ना किसी के ऊपर आरोप करना है तो वो कर सकते हैं, पर उसमें अजीत पवार कोई कसूरवार नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि वो कसूरवार है। लेकिन जहां तक फ्लड्स का सवाल है, जस्ट अ स्ट्रॉन्ग साइड, आई डोंट नीड यू टू रिएक्ट टू दिस, प्रदीप जी, द फैक्ट इज व्हेन द डैम्स वर बीइंग बिल्ट इवन एट दैट टाइम इट वाज सेड दैट ऑल द विलेजेस डाउनस्ट्रीम एंड ऑल द सिटीज डाउनस्ट्रीम आर गोइंग टू फ्लड बिकॉज द डैम्स डू नॉट हैव द होल्डिंग कैपेसिटी रिक्वायर्ड फॉर द मॉनसून। हाँ, यस सर, दैट इज द होल पॉइंट। नाउ व्हाट कैन यू डू? यू कांट डू अ थिंग, वेरी फ्रैंकली, बिकॉज देयर इज अ टेक्निकल साइड टू इट। You need bigger and bigger water reservoirs all over the place where all this water can be collected. Yes, sir. So yes, sir. Rajiv ji, aapne solution diya. Ji. You have given the better solution. Sir, right? I've been talking about the solution for the last 30 years. Nobody is listening to me. Yes. But sir, हमारे यहाँ जो sir पुणे के साथ में, I'll just to elaborate on this further. मुंबई पुणे हाईवे पे आप travel करें होंगे बहुत बार, करें होंगे ना? हाँ जी, हाँ जी। जब मुंबई से हम लोग पुणे जा रहे होते हैं तो राइट हैंड साइड पे क्या देखते हैं? क्या देखते हैं आपके राइट हैंड साइड पे क्या होता है? उसके दाहिने तरफ देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फील्ड्स, पूरे फील्ड्स हैं बिल्कुल, दे डोंट बिलोंग टू एनीबॉडी। मैं कहता हूं वहां पर मुंबई टू पुणे, वहां पर अगर आप एक बहुत बड़ा वाटर रिजर्वर बना दें, सर डू यू नो हाउ मच फ्रेश वाटर यू विल कलेक्ट ओवर देयर? या वेरी गुड। वो फ्रेश वाटर इतना बड़ा होगा, इट विल बी लाइक एन ओशन, इट विल बी द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन द वर्ल्ड। वो फ्रेश वाटर से यू कैन नॉट ओनली फीड द रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, यू कैन सेंड दैट वाटर इवन टू कर्नाटका और टू आंध्र प्रदेश। माय पॉइंट इज, व्हाई डोंट वी डू इट? बिकॉज़ ऑल दैट वाटर, बाय द वे, वेयर इज इट गोइंग? इट इज बीइंग वेस्टेड, इट इज जस्ट फ्लोइंग अक्रॉस एंड इट इज ऑफ नो यूज टू एनीबॉडी। आप कोस्ट पर जाके देखिए ना, कितना फ्रेश वाटर जो ऊपर से गिर रहा है वो सारा का सारा वेस्ट होके नीचे जा रहा है। ऑल दैट कैन बी यूटिलाइज्ड। नाउ व्हाई डोंट वी डू इट? आई डोंट अंडरस्टैंड सर। Sir, I appreciate you like anything. You have given the very good solution for water harvesting. पर ये काम करना चाहिए, इसके ऊपर आप एक पेपर तैयार कीजिए एंड वी विल गिव इट सबमिट टू द गवर्नमेंट इमीजिएटली एंड वी हैव ये गवर्नमेंट नहीं तो आने वाली जो भी गवर्नमेंट दूसरी होगी इसमें ये मैटर के ऊपर काम होगा। तो मुझे लगता है कि राजीव सिंह जी से एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द महाराष्ट्र एंड फॉर नेशन हो जाएगा। थैंक यू, वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। गांधी साहब, दूसरा है कि ये लाड़की बहन स्कीम, लाड़का भाऊ स्कीम, यू नो पिंक रिक्शा, गुलाबी रिक्शा स्कीम, ये कहां तक सफलता? बिकॉज ऑपोजिशन का आलोचना है कि 8 लाख करोड़ का कर्जा है आपके ऊपर, वो आप ठीक नहीं कर पा रहे हो उसके ऊपर, और दिस इज गोइंग, यू डोंट हैव द मनी फॉर दैट। इनफैक्ट बीच में फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र इटसेल्फ प्रश्न चिन्ह उठा दिया थे, पैसे कहां से देंगे, कहां से देंगे? तो अजीत, भले अजीत पवार साहब ने क्लैरिफिकेशन दिया, बट अभी भी आलोचना यह है कि तिजोरी खाली है एंड यू हैव डिक्लेयर्ड दी स्कीम्स। नाउ हाउ आर यू गोइंग टू पे, हाउ आर यू गोइंग टू पे द पीपल? गांधी साहब, नहीं नहीं, ये स्कीम पूरी मैंने मंत्रालय में पूरा ऑफिसरों के साथ में भी फोन के ऊपर बात करके चर्चा की है, ये पूरा सक्सेस हो जाएगा सर, ये पूरी स्कीम सक्सेस हो जाएगी और इससे डाउन ट्रोडन लेडीजों को जो पिंक कार्ड पे है उनको बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और अभी उनको तो ये 1500 रुपया के उपरांत 3 सिलेंडर भी उनको फ्री मिलने वाले हैं, अन्ना अनाज मिलने वाला है, सब मिलने वाला है भैया। तो ये पूरी प्रोविजन है, पर ऑपोजिशन को तो ऑपोजिशन को डर क्यों लगता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो इन्होंने कैसे किया? तो आपको लगता है, आपको लगता है इस स्कीम से जो 3 सिलेंडर फ्री, 1500 रुपए एक एक महिला को, इससे महाराष्ट्र का बहुत फायदा होने वाला है? 10000 रुपया स्टूडेंट को, ग्रेजुएट सर, वो तो दूसरी बात हो गई ना, वो तो उसमें तो बजट एलोकेशन नहीं है। दिस इज ऑफ बजट एलोकेशन, द 10000 रुपीज लाडा भाऊ स्कीम तो ऑफ बजट है। देखिए सर, ये इश्यू अभी अगर 3 महीने के लिए अजीत पवार ने लाया है जी, तो ये गलत बात है। इन्होंने ये जो लाया है पूरे साल के लिए लाया है, एक परमानेंट स्कीम दी हुई है और अभी इनको भी पूरा करना पड़ेगा और बाद में यूपी गवर्नमेंट आएगी या महाविकास आघाड़ी की जो भी गवर्नमेंट आएगी इनको इसको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो वापिस मारामारी होने वाली है। मुकेश गांधी साहब, आपसे पूछता हूँ, जब आम आदमी पार्टी 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री में दे रही थी, 1500 रुपए
हर महिला को दे रही हैं, हर महिला को, एक महिला को, परिवार में एक महिला को 1,500 रुपए मिल रहे हैं, फ्री ट्रेवल फॉर विमेन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तब सभी लोग बोलते थे ये रेवड़ियां बांट रहे हैं, तो ये क्या है, ये सिंगदाना है, ये रेवड़ी नहीं है, क्या है ये? ये पिंक रेवड़ी है, ये पिंक रेवड़ी है। चलिए सर आप मुझे बताइए, कोई अभी अभी नया नया ग्रेजुएट हुआ, यू रिमेम्बर द टाइम व्हेन यू जस्ट ग्रेजुएटेड, आपको याद है जब आप, जब आपने बीए किया होगा या बीकॉम किया होगा आपने? हाँ जी, हाँ जी, याद है ना? अगर आपको उस वक्त, अगर आपको उस वक्त 10,000 रुपए मुफ्त में मिल रहे होते आप क्या करते? सर मैं तो सीधा प्रेस क्लब में जाता या पब में जाता, मैं तो नौकरी भी नहीं ढूंढता, सीधी साधी बात है। सर आप क्या कर रहे हैं? Why are you doing this? I don't understand. Why are we giving our money free? What for? I still can't figure this out. We can give facilities. You can create more schools. You can create more hospitals. You can create something like Mohalla clinics and stuff like that. And create opportunities for employment. What are we doing, sir? Do you agree with this in principle, Mukesh Gandhi sir? Forget the fact that you are in the NCP. I am as a observer. I am telling you. कि ये बहुत ही एग्जेगरेट स्कीम है और इसका इम्प्लीमेंटेशन कितने वक्त कैसे चलेगा उसके ऊपर ये पॉलिसी का जो ये जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कितना चलेगा उससे फॉरगेट अबाउट दैट, इज इट अ गुड पॉलिसी, डू यू एग्री विद दिस पॉलिसी, दैट दैट्स व्हाट आई वांट टू नो, पीपल नीड टू वर्क। सर हम जब से पैदा हुए हैं हमारे माँ बाप ने यह सिखाया, भैया काम करोगे तो पैसा मिलेगा, काम नहीं करोगे तो गुड मॉर्निंग है। आप बताइए ये ठीक है क्या? नहीं, आई एग्री विथ यू सर ऑन द वन हैंड। प्रदीप जी लेट मी फिनिश, आई आई वांट टू आस्क हिम दिस सर, एसआरए स्कीम, चलिए ठीक है यार एसआरए, बाकी सब ठीक है सर, यू आर रिवॉर्डिंग पीपल फॉर एनक्रोचिंग अपॉन गवर्नमेंट लैंड, इलीगल काम करने के लिए आप लोगों को इनाम दे रहे हैं। इसी तरीके से कोई काम नहीं कर रहा है, जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं कर रहा है, उसको आप इनाम दे रहे हैं, ये क्या है? आप बताइए सर प्लीज। सर एसआरए स्कीम का मुझे याद है पूरा, मैं जब शिवसेना में था तब बाला साहब ठाकरे जी की ये पूरी एसआरए स्कीम की योजना थी, और ये योजना शुरू करने वाले जो अगर उनके जो कोई पिता है, फादर है, तो वो बाला साहब ठाकरे जी थे जी। इन्होंने ये योजना शुरू करवाई जी, जी, जी। और शिव प्रकल्प ऐसा कुछ नाम था उसका, शिव प्रकल्प या कुछ ऐसा नाम था उसका भी याद है मुझे सर। बाला साहब ठाकरे जी ने उसके उस वक्त उनका एक लेक्चर था रंगशारदा में, तब उन्होंने पूरे कॉर्पोरेटर से लेके सबको कहा था कि आप झुपड़पट्टियां बढ़ाइए मत, आप झुपड़पट्टी में 5 रुपया कमाने के लिए हमारे महाराष्ट्र के देश का और जनता का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं जी, दुरुस्त बात। और उन्होंने कॉर्पोरेटर को एकदम गवर्न किया, माने एकदम टोटली उनकी ठाकरी लैंग्वेज में उन्होंने उनको बताया था, फिर भी हमारे यहाँ कॉर्पोरेटर इतने बिंदास है, को पैसा बनाने की उनको तो दुकान ही मिल जाती है, और सबने इतनी झोपड़पट्टियां बढ़ा दी, इतना ये कर दिया कि पूरा हमारा महाराष्ट्र का आज मुंबई का स्ट्रक्चर जो है ना, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का डिस्टर्ब कर दिया है, और इसके कारण बाहर के बारगांव से भी जो दूसरे स्टेट से और जाकर के ज्यादा करके रोहिंग्या सब लोग यहाँ घुस गए अंदर, ये बहुत गलत हुआ है। तो सर उसका सलूशन क्या है? वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर। चलिए चलिए बात, गांधी साहब राहुल गांधी का एक एक राहुल गांधी जी ने का टॉपिक के ऊपर सर एक अलग डिस्कशन रखिए, सब दो तीन लोगों को बुला के, ये बहुत जरूरी है। ये हमारे राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में जो कहा पूरे देश ने सुना, बोला एक चक्रव्यूह बनाया मोदी साहब ने, चक्रव्यूह बनाया मोदी साहब ने, और चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं जिसमें नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजीत डोवल, अडानी, अंबानी, ये 6 लोग हैं, एंड दे आर कंट्रोलिंग एवरीथिंग, मोनोपोली ऑफ अडानी अंबानी, और पूरे सेंट्रल एजेंसीज इसको सपोर्ट करेंगे, यानी जो आरोप लगा दिया उस पर सीबीआई का रेड, एनफोर्समेंट एजेंसी का रेड, और एक पॉलिटिकल सिस्टम जो इस चीज को सपोर्ट कर रहा है, कितनी सच्चाई है गांधी साहब इसमें? नहीं, राहुल गांधी का ये जो चक्रव्यूह और ये सब लोगों का जो बात करने की जो स्टाइल है ना, ये बहुत बड़ी पुरानी स्क्रिप्ट हो गई है। और क्या है कि इसमें नरेंद्र मोदी जी को ये चक्रव्यूह बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। आज बजट के सब्जेक्ट के ऊपर राहुल गांधी जी को जब एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन जब उनको बोलने का था, तो ही शुड टॉक अबाउट द बजट, बजट का एनालिसिस करना चाहिए था उनको पूरा।
और वो पूरे अलग टॉपिक पे चले गए, जाति जनगणना पे चले गए, वो हलवा पे चले गए, ये चले गए, और बाद में जब पूरी सबको वो अपनी सभाओं में जा जाके लोगों को वो और अखिलेश यादव लोगों की जात पूछते थे, तो जब अनुराग ठाकुर ने पूछा कि आपकी जात क्या है, तो उनको लगा कि मुझे गाली दे दी। ये बात तो गलत है ना सर। ये पूरा आज जो सिस्टम है लोकसभा का, राज्यसभा का, वो पूरा राहुल गांधी जी अपने नरेशन को फिट करने के लिए, और कहते हैं कि जाति जनगणना तो पड़ रहा है। लेकिन सर एक चीज बता दें आपको, उसका प्रभाव तो पड़ रहा है सर, इंपैक्ट हो रहा है उसका, भले आप जो मर्जी कह लीजिए। सर सर इसका इंपैक्ट कहाँ पड़ता है? आज आप नहीं मानेंगे, मैं ये जब टॉपिक चलता था, मैं आज सुबह चर्चगेट गया था, और वहां कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स कुछ एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, मैंने जाके इनको यही टॉपिक पर जाकर के सामने से पूछा एज ए क्यूरियोसिटी। मुझे रेस्टोरेंट में जाना नहीं था, मुझे लगा ये बहुत लड़के बैठे, कम से कम 30-40 लड़के लड़कियां बैठे थे। मैंने उनको कहा, ऐसे ही झूठ बोला मैं कि भाई मैं मीडिया की ओर से आ रहा हूं और मैं आपका एक ओपिनियन लेना चाहता हूं कि ये जो राहुल गांधी का जो अप्रोच है अभी लोकसभा में, आप टीवी देखते हैं, सब लंबी बात हुई, तो दे आर टोटली अपोजिंग द राहुल गांधी। ये कहते हैं कि इस बकवास जैसा शब्द 70% लोगों ने बोला उनके उनके बारे में। तो ये आप स्पेशली बीजेपी सपोर्टर्स को मिले होंगे सर, क्योंकि हमें जो लोग मिल रहे हैं, अरे यंग लड़के सर, हमको जो लोग मिल रहे हैं वो तो यही बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने तो तहलका मचा दिया, इतना तक कर दिया कि मोदी जी भी डर गए राहुल गांधी से, ऐसा लोग बोल रहे हैं। मोदी जी किसी के बाप से डरने वाला नहीं है सर। यही बात हम लोगों की बहुत पहले भी हुई थी आपसे, विनम्रता से मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूँ। हाँ जी, विनम्रता से आपके सामने बात रखना चाहता हूँ। हाँ प्लीज प्लीज सर, कि महाराज जे लोकसभा चुनाव के पहले भी हम लोगों ने आपसे कहा था, दोनों प्रदीप जी और मैंने, कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को और अजीत दादा पवार साहब को बहुत मुश्किल होने वाली है, और बारामती में मैंने आपसे कहा था यहीं पर, और आपने मेरा मजाक उड़ाया था, मुझे अभी तक नहीं, मजाक नहीं उड़ाया था सर। मैंने आपको कहा था कि सुप्रिया सुले जी जीतने वाली हैं, आपने कहा इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, ऐसा आपने कहा था। मैं फिर आपको बोल रहा हूं सर, राहुल गांधी भले ठीक कर रहे हो गलत कर रहे हो, वो दैट आई एम नॉट कंसर्न विद दैट, वी विल एनालाइज। इन माय पर्सनल ओपिनियन द लेवल ऑफ डिबेट इन पार्लियामेंट हैज रियली फॉलन, लेट्स बी वेरी क्लियर, इट इज रियली फॉलन, इट इज टेरेबल एट द मोमेंट, नोबडी वॉन्ट्स टू वॉच द पार्लियामेंट डिबेट। Yes. It is not like the time when Sushma Swaraj ji was there or Arun Jaitley was there or Atal Bihari Vajpayee ji hote the, George Fernandez saab hua karte the, Pramod Mahajan ji hua karte the, kya maza aata tha sir Lok Sabha ki debate sunne mein. Lekin ek cheez hai, Rahul Gandhi ki speech ki wajah se ya jo bhi kar rahe hain uska impact pad raha hai sir, main abhi aapko bol raha hu, aage aap manenge sir. Impact mane kya hota hai, public debate badh rahi hai, पब्लिक डिबेट बढ़ रही है और बहुत लोग एग्री कर रहे हैं राहुल गांधी से, राहुल गांधी से बहुत लोग सहमति व्यक्त कर रहे हैं। जाति जनगणना करने से हिंदुस्तान बहुत बड़ा विभाजन में जाएगा और बहुत बड़ा हमारे देश को नुकसान होने वाला है, वो आप लिख के रखना। जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू जी ने भाषावार प्रांत रचना की और उसके कारण जो प्रॉब्लम आया वो हमारे हमारे देश में भी हुआ है सर, तो ये गांधी साहब राहुल गांधी जब कहता कि मोदी प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज डिस्ट्रॉयड द मिडिल क्लास एंड द पोर एंड डाउन ट्रॉडन, और वो बोल रहा है कि फिगर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट गिवन बाय मोदी जी आर फेक, इसे 7 years में 54 लाख जॉब्स हैव बीन लॉस्ट, 18 लाख एमएसएमईज हैव शट डाउन, और फिर बाकी का जो ऐड करते हैं कि आप सब अडानी अंबानी के लिए काम करो, ठीक है उस, तो इज इट ट्रू, इसमें आपका क्या लग रहा है, 7 साल में 54 लाख, ये स्टैटिस्टिक्स है, आई मींस कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट बॉडीज, तो देखिए अभी बट मोदी जी कह रहे हैं कि वी हैव जनरेटेड अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, 12.5 करोड़ एम्प्लॉयमेंट, हकीकत क्या लग रहा है आपको? सर देखिए ऐसा है कि मोदी जी का जो गवर्नमेंट का जो आज तुमको कांग्रेस के टाइम में जो 11वें-12वें नंबर पे हम थे, वो 5 नंबर पे हम आए हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा है, आज डायरेक्ट बैंकिंग सिस्टम में फायदा हुआ है सर, इसके कारण अभी एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ा हुआ ही है, पर हमारा देश इतना बड़ा है और हमारे देश में बाहर गांव से दूसरे देशों से भी
रेफ्यूजीज के जैसे इतने लोग अंदर घुस जाते हैं और स्किल्ड जॉब भी जो अच्छी तरह से मिल रही है वो सब बढ़ रहा है, पर क्या होता है कि इतने बड़े देश के अंदर जो जितना भी आप करेंगे, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, जितना भी एम्प्लॉयमेंट का स्केल बढ़ाएंगे, लोगों को करेंगे, फिर भी एक नौकरी के लिए एवरेज आज 25 आदमी खड़ा है, मिनिमम एवरेज पकड़ो तो आज पुलिस की भर्ती होगी तो उसमें 5,000 को लेने का होगा तो 50,000 लोग के आके वहां खड़े रहते हैं। तो हमारे हाथ देश में ये प्रॉब्लम तो है ही, पर फिर भी आप देखो कि एम्प्लॉयमेंट जिस तरह से किसान को प्रॉब्लम आता है तो आत्महत्या करता है, वैसे एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलने के कारण हमारे देश में कोई यंगस्टर्स अनएम्प्लॉयमेंट से आत्महत्या नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि अनएम्प्लॉयड यंगस्टर्स को भी कमाने का कोई ना कोई जरिया हमारे देश में मिल जाता है। सर अगर बीए वाले को नहीं सर, एक बेसिक, तो सर एक बेसिक क्रिटिसिज्म जो आता है काम कर लेता है सर। मुकेश गांधी साहब पहला भी लगाता है सर। सर मुकेश गांधी साहब एक बेसिक क्रिटिसिज्म जो आता है वो ये आता है कि जितने भी पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट जितने भी है, ज्यादातर बंद हो रहे हैं या बेचे जा रहे हैं। नंबर वन, प्राइवेटाइजेशन हो रही है। नंबर दो, जितने अभी फंक्शन कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट सर्विसेज भी अभी फंक्शन कर रही हैं, वहां पर एम्प्लॉयमेंट की जगह पर ऑन कॉन्ट्रैक्ट लेबर को रखा जा रहा है, ऑन कॉन्ट्रैक्ट हर जगह। ये गलत है, ये गलत है, बीएसटी गलत है। मेरा ये कहना है कि लोग चाह रहे हैं कि यार वहां तो अपॉइंटमेंट दो, वहां तो प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट दो। क्या है सर, जैसे अग्निवीर स्कीम में क्या है, 4 साल आपने सर्व किया उसके बाद आप बाहर आए, देयर इज नो पेंशन, देयर आर नो अदर बेनिफिट्स, शिक्षा के बेनिफिट नहीं है। सवाल कैसे आता है 30 साल के बाद में पेंशन चालू होता है, 20 साल, ये 4 साल, 20 इयर्स, 20 साल सर, ये हाँ जो भी 20 सर, पूरी बात तो सुन लीजिए। इसीलिए जब अखिलेश यादव जी कहते हैं या राहुल गांधी जी कहते हैं अग्निवीर स्कीम को बंद कीजिए, जो नॉर्मल रिक्रूटमेंट है इंडियन आर्म फोर्सेस की, बाय द वे इसमें अभी जो डेफिसिट है इट इज मोर देन 2.5 लाख, 2.5 लाख का डेफिसिट है अभी इंडियन आर्म फोर्सेस में इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ जवान एंड ऑफिसर्स। आप उसको दोबारा शुरू कीजिए, बिकॉज सर एक चीज होती है आर्मी में, आई डोंट नो वेदर यू नो पीपल इन द आर्म फोर्सेज, आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग, देयर इज समथिंग कॉल्ड रेजिमेंटल प्राइड। कौन सी रेजिमेंट से आप हैं, कहाँ पर हैं, आपके पिताजी ने वहाँ सर्व किया, आपके अंकल ने सर्व किया, आपके भाई साहब ने उसी रेजिमेंट में सर्व किया, जैसे मराठा LI है, मराठा लाइट इन्फेंट्री में, आई नो जेनरेशन हु हैव बीन इन द मराठा LI, पूना हॉर्स, वन ऑफ द बेस्ट रेजिमेंट्स गोइंग सर। यस, इट इज द ओनली रेजिमेंट विच हैज गॉट टू परमवीर चक्रस सर। All I'm saying is there's something called regimental pride. Now you can't take that away from the army. This is not the American army. This is not the US army. This is India, sir. You have to take a rational view. What do we do here? I'm saying the government should not be so stubborn, especially on Agniveer. Agniveer ko, ठीक है आप Agniveer कर लीजिए. उनको 10 साल के लिए रखिए और benefit दीजिए. जो pension के benefits देते हैं आधे दे दीजिए. ऐसी क्या बात है? बोलिए सर, अब आप बोलिए प्लीज। नहीं, आपके आपके व्यू पॉइंट के साथ में मैं एग्री हूँ, इसमें कोई बहस करने की बात नहीं है। आपने जो कहा वो बहुत सही ढंग से कहा है, मैं अपोज करने के लिए अपोज नहीं करूंगा। आई अप्रिशिएट यू सर। सर एवरीबडी नो सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल, 1971 बैटल ऑफ बसंतर, परमवीर चक्र। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर, बैटल ऑफ शकरगढ़, अगेन परमवीर चक्र, सेम रेजिमेंट। वो रेजिमेंटल प्राइड सर अग्निवीर में कहां से आई, आप मुझे बताइए, खुद सोच के बताइए सर प्लीज। सर ये अग्निवीर का जो 4 साल का है ना, इसमें कोई बहुत बड़ी नरेंद्र मोदी जी ने कोई योजना की है, वो योजना एक्सपोज नहीं हो रही है, पर वो अपने आप एक टाइम में पता चलेगा कि ये 4 साल के लिए अग्निवीर के युवाओं को कैसे तैयार कर रहे हैं और उसके लिए क्या उनका। गांधी साहब, व्हाट यू सेइंग इज राइट, मोदी साहब कह रहे हैं क्या है, कॉम्बैट रेडी आर्म फोर्सेस मैं तैयार कर रहा हूं, कॉम्बैट रेडी। हमारा एवरेज एज हमारा वर्ल्ड स्टैंडर्ड से हाई है और मोदी साहब कह रहे हैं कि ये अग्निवीर ये एक दिन में मैंने पैदा नहीं किया। डिटेल डिबेट लगातार सालों साल चलने के बाद उसके बाद अग्निवीर आया है
और आज के तारीख में हमने अ यंग आर्मी, अ कॉम्बैट फिट आर्मी एज पर वर्ल्ड स्टैंडर्ड एज के हिसाब से हमने क्रिएट किया है। ये मोदी जी ने डिफेंड किया अग्निवीर को, पार्लियामेंट से पहले, पार्लियामेंट के बाद, ही हैज डिफेंडेड। तो ईस्टर स्टिक्स बाय इट। गांधी साहब, नहीं नहीं सर, अग्निवीर की योजना नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे ही इंप्लीमेंट नहीं की है, इनके पीछे इनका बहुत बड़ा विजन है और बहुत बड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच है। वो आने वाले समय में ही हमको पता चलेगा कि इसमें रूलिंग पार्टी इज राइट और ऑपोजिशन आर राइट। एग्जैक्टली द विजन बिहाइंड डीमोनेटाइजेशन, आई एग्री विद यू, बट दिस इज अ डिटेल्ड डिस्कशन ओवर years, it could be, I mean, उन्हें कहा कि overnight scheme नहीं है, ये army और army के लगा means entire पूरे जबरदस्त debate और discussion के बाद इस पे पहुंचा है। It is not something that is created overnight, that's what he says. And age is a factor where combat, military combat is there, armed combat है, age एक बहुत बड़ा factor कह रहा है। So what is your old army? So Pradeep ji, I don't understand. What does Agniveer have to do about it? Recruit young people in the regular armed forces. Why do you need Agniveer? You can have that also, but do that. You cannot just write off Agniveer. That's what he says. नहीं सर, ये चार देखिए, मिलिट्री का एम्प्लॉयमेंट के लिए देखिए आप, एयर बीच में एयर एयर एयरफोर्स की भी एडवर्टाइजमेंट आई थी टू ज्वाइन द टू रिक्रूट द पीपल, और उनके उनका रिक्रूटमेंट तो चालू ही है सर, पर उसके ऊपर एडिशनल ये अग्निवीर का योजना पूरी आई हुई है, उनका रिक्रूटमेंट थोड़ी बंद कर सकते हैं सर। ऑन एंड ऑन एंड ऑन, बट थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। कल हम इसके ऊपर सर्च करके आपको बताएंगे, फोन करके। लेट्स हैव अ प्रॉपर शो ऑन इट, बट देयर आर टू थिंग्स व्हिच वी कैन वर्क अपॉन। वन ऑफ कोर्स इज ओबीसी वर्सेस मराठा, दैट हैज टू बी रिजॉल्वड इमीडिएटली। यस, इट हैज टू बी डन राइट नाउ। एंड नंबर टू, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्रिएट अ ह्यूज लेक right now, as per your Yojana, series of lakes all over Maharashtra, so that yes, downstream villages are not flooded by the excess water in all the dams. Yes, yes, right. That happens every year. Now we have to find a solution for that. Right. Yes, must. Mukesh Gandhi sir, so thank you very much for joining us. Great pleasure. Thank you, sir. Namaskar, sir. Jai Shri Ram. I appreciate your ideas for the harvesting. Thank you very water much. Water harvesting. Thank you very much. Congratulations. Thank you. Thank you. Jai Hind, sir. Jai Hind. Well, that's just about it in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही, प्रदीप जी और मेरी तरफ से। मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा प्रदीप जी ने कहा, जो संसदीय वार्तालाप है, जो संसदीय डिबेट जो है, जिसको कहा जाता है तर्क वितर्क जो है, उसका स्तर उम्मीद करते हैं जरा और ऊंचा हो जाएगा और ऊपर आएगा, और इट विल बी मोर सेरेब्रल देन अंडरग्राउंड, सो टू स्पीक, एट द मोमेंट इट्स गॉन टू द बेसमेंट। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दैट, बट डू यू होप इट विल हैपन प्रदीप? आई डोंट थिंक इट विल। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू सिट टुगेदर एंड से दैट वी नीड टू हैव सॉर्ट ऑफ मैच मेकिंग वेयर वी विल हाउ टू रन द पार्लियामेंट, हाउ टू रन द पार्लियामेंट, दैट्स राइट। And if the nation is about everything else, if you say nation first, party second, and individual third, then please follow it. Please follow it. That's right. Oh, that is follow your own ideals, exactly. Your own stated ideals. Unko follow kijiye. Well, that's just about it as far as tonight's show is concerned. Aaj ke show mein sirf itna hi. Channel ko subscribe zarur karein. Comment bhi zarur bhejein. Please do send in your comments. And please do subscribe to the channel. Channel ko subscribe zarur karein. We are with you in everything, as always, always with you. That is Nation Now. Pradeep ji aur meri taraf se aap sab logon ko namaskar. Jai Hind, Jai Maharashtra, Jai Bhavani, Jai Shivaji, Vande Mataram. Vande Mataram. Jai Siya Ram, Har Har Mahadev. Har Har Mahadev.